हेलो ऑफिसर्स, अड्डा अल्टीमेट में आप सबका स्वागत है। आज हम जुड़े हुए हैं अल्टीमेट के पहले सेशन में। तो यहाँ पर अल्टीमेट क्या है, हमारा टारगेट क्या है, आने वाले दिनों में हमारा बेस्ट टाइम यूटिलाइज करके हमें अपना सिलेक्शन एंश्योर कैसे करना है, ये हमें देखना है यहाँ पर। तो अल्टीमेट का टारगेट बेसिकली क्या है और आने वाले टाइम में हम इसको कैसे प्रिपेयर करने वाले हैं, सबसे पहले इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं एंड उसके बाद हम हमारा चैप्टर्स वन बाय वन कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले मैं अल्टीमेट का थोड़ा सा अल्टीमेट के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि हम कैसे फॉलो करने वाले हैं ये पूरा कोर्स, जो क्योंकि आज ये अल्टीमेट का पहले दिन का पहला सेशन है। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर, हर सब्जेक्ट की क्लासेस होगी। अब देखो, अब हम बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी फॉर आईबीपीएस, आरआरबी, पीयू एंड क्लर्क, कौन सी एग्जाम से रिलेटेड, 2019। ठीक है, अब देखो, कोई भी एग्जाम के लिए, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो, कोई भी एग्जाम के लिए अगर हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चालू करते हैं तो हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। क्या? एक तो उसका सिलेबस क्या है, ठीक है, एंड प्लस उस सिलेबस के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम रीजनिंग का यहाँ पर सिलेबस डिस्कस करेंगे एंड फिर उसके थोड़े से फॉर्मेट के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, चलो तो सिलेबस के बारे में बात करते हैं। रीजनिंग का हमारा पहला चैप्टर है टेस्ट। रीजनिंग में चैप्टर्स की लिस्ट पहले बना लेते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स है। टेस्ट ऑन अल्फाबेट चैप्टर है, इसके बाद हमारे पास सारा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। पहले कोडिंग डिकोडिंग है, उसके बाद ब्लड रिलेशंस है, उसके बाद डायरेक्शन डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है, इसके बाद हमारे पास है इनइक्वालिटी, इसके पास बाद है हमारे पास ब्लड रिलेशन, इसके बाद सिलॉजिज्म, सिलॉजिज्म के बाद रीजनिंग में चैप्टर है इनपुट आउटपुट, उसके बाद रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है पजल्स, इसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग एंड डेटा सफिशिएंसी। इतने सारे चैप्टर्स हमें देखने हैं। अब देखो, ये जो सिलेबस है हमारा, ये प्री का भी यही सिलेबस है एंड मेंस का भी यही सिलेबस है। ठीक है, प्री का भी यही सिलेबस है, मेंस का भी यही सिलेबस है। ओके, अब देखो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं आपको, ये जो टॉपिक्स है प्री में भी यही पूछे जाएंगे, मेंस में भी यही पूछे जाएंगे। तो डिफरेंस क्या रहेगा प्री और मेंस में, क्या आप बता सकते हो मुझे? सिलेबस तो वही है हमारा, प्री का भी सिलेबस वही है एंड मेंस का भी सिलेबस वही है, चैप्टर्स के नाम वही है, सारी चीजें वही है। ठीक है, लेवल, डिफिकल्टी लेवल चेंज होगा, मतलब क्या होगा जरा बताओ मुझे, क्वेश्चन लेवल का डिफरेंस मतलब एग्जैक्टली क्या, लेवल का डिफरेंस माने एग्जैक्टली क्या? ठीक है, लेवल का डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन का लेवल सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है, ओनली टू थिंग्स डिसाइड द लेवल ऑफ क्वेश्चन, एंड वो ये है कि इंफॉर्मेशन देने का तरीका। ठीक है, इन्फॉर्मेशन देने का तरीका, इन्फॉर्मेशन किस पैटर्न में दी है और इन्फॉर्मेशन कितने क्वांटिटी में दी है। ठीक है, यही दो चीजें हैं जो क्वेश्चन का लेवल डिसाइड करते हैं। ठीक है, अगर मैं सारी इन्फॉर्मेशन, एकदम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एकदम क्लियर वे में आपको रिप्रेजेंट करता हूं तो वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, हर टॉपिक का बेसिक डिस्कशन हम यहां पे करने वाले हैं। ठीक है, अगर यही इंफॉर्मेशन मैं आपको ट्विस्टेड फॉर्मेट में दे दूं, ठीक है, अगर यही इंफॉर्मेशन मैं आपको ट्विस्टेड फॉर्मेट में दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, यही क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग जाएगा। कंसेप्ट वही है, यहां पर सारे टॉपिक्स के हम बेसिक कंसेप्ट सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर हर टॉपिक के बेसिक टू एडवांस, मतलब जितना भी एग्जाम्स लेवल पर आता है उतने सारे कंसेप्ट्स यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं एक सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूं। सबसे पहले आप लोग मुझे वो सवाल का आंसर करेंगे एंड देन हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सवाल है आप सबके लिए, आपका सवाल है, कैन यू नेम अ कलर विच डज नॉट हैव ई इन इट। ठीक है, क्वेश्चन क्या था आपका, कैन यू नेम अ कलर विच डज नॉट हैव ई इन इट, क्वेश्चन क्या था आपका, कैन यू। अगर मैं इसको हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेट करता हूं तो इसका मतलब कैसे निकल कर आता है, क्या आप उस कलर का नाम बता सकते हो जिसमें ई नहीं है, क्वेश्चन क्या था, क्या आप बता सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर
या तो सिर्फ यस होना चाहिए था या फिर नो होना चाहिए था। अब देखो, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है, जो कि पहले सेशन में अगर हम समझते हैं, वो अगर हमारा क्लियर होता है तो आगे चल के हमें ज्यादा परेशानी नहीं होती है। पॉइंट हमें जो यहां पर समझना था वो ये था, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है एंड अंडरस्टैंड इट थरोली, ठीक है? क्या करना है हमें, क्वेश्चन को एकदम अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और उसको अच्छे से समझना है। अंडरस्टैंडिंग जो है, जिसको कि हम कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, ठीक है, ये बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि देखो, ब्लड रिलेशन में सब रिलेशन हम जानते हैं, ओके? और ये रिलेशन हम जानते हुए भी कुछ क्वेश्चन हमें आसान लगता है, कुछ क्वेश्चन हमें डिफिकल्ट लगते हैं। रीजन, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है? और जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि क्वेश्चन पूछने के तरीके, हम अभी उन चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं जो कि हमें टॉपिक शुरू होने से पहले हमारे पास होनी चाहिए, जिनके ऊपर हमारी कमांड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? तो कॉम्प्रिहेंशन, क्वेश्चन जो भी हमें दिया जाएगा उसको हमें एकदम अच्छे से समझना है। जब तक क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आता है, तब तक उसका आंसर हम सही सही से सही ढंग से नहीं कर सकते। क्लियर है सबको? तो हमने यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं, क्या कि हमें अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और उसको एकदम क्लियर कट वे में समझना है, ठीक है? तो कॉम्प्रिहेंशन हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, ठीक है? हमने यहाँ पर सिलेबस डिस्कस किया है एंड एक रिक्वायरमेंट, कॉम्प्रिहेंशन की जो रिक्वायरमेंट है वो देखी है हमने, ओके? अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा पढ़ाई कैसे करना है, ओके? क्योंकि यहाँ पर हम जो डिस्कशन करेंगे, इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए एफर्ट्स यहाँ से हम ले रहे हैं, आपके साइड से भी कुछ सिस्टमैटिक वे में एफर्ट्स होने चाहिए। तो वो क्या होने चाहिए, मैं आपको अभी यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है? जैसे कि हम यहाँ पर आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, आज का टॉपिक है इनइक्वालिटी। आज के सेशन में हम पूरा इनइक्वालिटी डिस्कस करने वाले हैं, ओके? तो यहाँ पर इनइक्वालिटी के सारे कंसेप्ट्स जो होंगे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है? प्लस इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कंसेप्ट्स का डिस्कशन होगा और एग्जाम में पूछे जाने वाले हर टाइप के क्वेश्चन पर डिस्कशन होगा, ओके? देन अब यहाँ पर हमने डिस्कशन तो कर लिया, ओके? इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो ई बुक्स मिले हैं, ठीक है, इससे सवाल सॉल्व करने हैं। यहाँ पर हमने जो भी कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, सबसे पहले वो आपको वो क्लियर करवा लेने हैं, ठीक है? हर एक टॉपिक के लिए आपका यही प्रोसीजर होना चाहिए, ओके? हर एक टॉपिक के लिए आपका यही प्रोसीजर होना चाहिए, कंसेप्ट्स क्लियर करवाने हैं आपको सबसे पहले, एंड उसके बाद आपके पास जो ई बुक्स दिए हैं उसमें से जितने भी हो सके आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ओके? आपने यहां से क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो आपके अकाउंट में जो टेस्ट एक्टिवेट होगा टॉपिक वाइज, वो टेस्ट आपको देना है, ठीक है? आप अगर ये पैटर्न फॉलो करते हैं तो यहां से आपको हर एक टॉपिक का मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, तो चलो ज्यादा देर ना लगाते हुए अब हम हमारा पहला टॉपिक चालू करते हैं, जो है इनइक्वालिटीज, ठीक है? इनइक्वालिटीज का सबसे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है? इनइक्वालिटीज के ऊपर एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? और ये टॉपिक जो है ये एकदम आसान होता है। ये 5 क्वेश्चन तो हम करेक्ट करने वाले हैं, नो डाउट, नॉट एन इशू, ठीक है? बट हमारा टारगेट है, क्योंकि ये इजी है, हम इसको कम से कम समय में सॉल्व करेंगे। इसमें टाइम जितना कम हो सकता है उतना कम हमें रखना है, और यही हमारा टारगेट है, और इसी के रिलेटेड हम कुछ यहाँ पर टेक्निक्स डिस्कस करने वाले हैं। इसी से रिलेटेड हम यहाँ पर कुछ टेक्निक्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? अब देखो, यहाँ पर हम इस सेशन में क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर सारे के सारे टाइप्स कवर करने वाले हैं, ठीक है? जो प्रीवियस है एंड लेटेस्ट, लेटेस्ट मतलब जो अभी इस साल पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। अब यहां पर इनइक्वालिटीज में आगे बढ़ने से पहले, जिनको इनइक्वालिटीज का कुछ भी आइडिया नहीं है, मैं तुरंत एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि इनइक्वालिटीज में क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, ठीक है, और उनको हमें टैकल कैसे करना है।
ऐसा एक स्टेटमेंट दिया जाएगा हमें और उसके ऊपर हमें कुछ कंक्लूजन दिए जाएंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पर पहला कंक्लूजन दिया है ए इज ग्रेटर देन सी, एंड दूसरा कंक्लूजन हमें दिया है ए इज ग्रेटर देन डी, ठीक है। तो इनइक्वालिटीज में क्वेश्चन हमें इस फॉर्मेट में पूछे जाएंगे, ठीक है। यहां पर हमें इसका आंसर क्या है ये नहीं जानना है, मैं बस आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था, ठीक है। अब देखो, इनइक्वालिटीज में हमें क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में पूछे जाएंगे। स्टेटमेंट अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, यहां पर स्टेटमेंट अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये स्टेटमेंट सारा किस फॉर्मेट में है, कंपैरिजन के फॉर्मेट में। ये सारे सिंबल्स हम जानते हैं, ये सारे सिंबल्स यूज किस लिए करते हैं हम, ये सारे सिंबल्स हम किस लिए यूज करते हैं, कंपैरिजन के लिए, ठीक है। तो यहां पर हमें स्टेटमेंट भी कंपैरिजन के फॉर्मेट में दिया है और कंक्लूजन भी कंपैरिजन के फॉर्मेट में दिए, ओके। अब यहां पर हमें ये स्टेटमेंट समझ के बताना होता है कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा कंक्लूजन गलत है, ठीक है। अब यहां पर आप लोग मुझे बताओ कि कोई भी दो वेरिएबल अगर हमारे पास दिए हैं ए एंड बी, ठीक है, यहां पर कोई भी दो वेरिएबल अगर हमारे पास दिए हैं ए एंड बी, तो उनमें कंपैरिजन करने के कितने तरीके होते हैं जरा मुझे बताओ। हमारे पास कोई भी दो वेरिएबल है ए एंड बी, तो इन दो वेरिएबल में हम कितने तरीकों से कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ध्यान से सुनना जरा मेरी बात को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनइक्वालिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमारे पास कोई भी दो वेरिएबल्स है, अगर हमारे पास कोई भी दो वेरिएबल्स है, तो उनमें हम सिर्फ और सिर्फ तीन तरीकों से कंपैरिजन कर सकते हैं। कितने तरीकों से कंपैरिजन कर सकते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ तीन तरीके होते हैं कोई भी दो वेरिएबल में कंपैरिजन करने के। तीन तरीके कौन से हैं, पहला है ग्रेटर देन, दूसरा है इक्वल टू, तीसरा है लेस देन। ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड लेस देन, यही बेसिकली तीन तरीके होते हैं जिनसे हम कोई भी दो वेरिएबल में कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। अब देखो, आप में से कुछ लोगों ने कहा था कि पांच तरीके के कंपैरिजन हो सकते हैं, क्या वो गलत थे? नहीं, ठीक है। उन्होंने पांच कैसे बताया, देखो उनको ये दो एक्स्ट्रा साइंस पता है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। पर थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर, ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन है ये बना कैसे है, अगर हम ग्रेटर देन को और इक्वल टू को कंबाइन करते हैं तो ये साइन बनता है। इसका मतलब यहां पर ये जो साइन है ये कुछ अलग साइन है क्या? नहीं, ठीक है। अब ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन है ये कैसे मिला है हमें, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू को कंबाइन करके। पढ़ते भी कैसे है हम इसको, ए इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू बी, पढ़ते कैसे हम इसको, ए इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू बी, ठीक है। वैसे ही ये लेस देन इक्वल टू साइन कैसे मिलता है हमें, इन दोनों को कंबाइन करके, ओके। अब देखो, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी का मतलब क्या होता है, ए बी से बड़ा होगा या फिर ए जो है बी से छोटा होगा। सिमिलरली ए इज लेस देन इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या होगा, ए इज लेस देन बी और ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो क्योंकि कोई भी दो वेरिएबल में कंपैरिजन करने के ये तीन ही बेसिक तरीके होते हैं, हम हमारे कन्वीनियंट के लिए इन्हें नाम देंगे बेसिक कंपैरिजंस, ठीक है। हम हमारे कन्वीनियंस के लिए इसके इसको नाम क्या देंगे, बेसिक कंपैरिजंस। ये ऊपर के जो दो साइंस है ये हमें कैसे मिले हैं, इनके कॉम्बिनेशन से मिले हैं, ठीक है। तो हम इनको क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन साइंस, ठीक है। अब देखो, यहां पर अगर हमें दिया है ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या होता है जरा ध्यान से समझो। हमें पता है कि ए और बी में कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास सिर्फ ये दो तरीके हैं, ठीक है, ये तीन तरीके हैं। इसमें से ये वाला एक्सप्रेशन क्या कहता है, ए और बी के बीच में जो है ये इक्वल टू वाला साइन नहीं आ सकता, ठीक है। ए और बी के बीच में अगर ये इक्वल टू वाला नहीं आ सकता तो कौन कौन से आ सकते हैं, या तो ग्रेटर देन आ सकता है या फिर लेस देन आ सकता है। तो इसका मतलब है या तो ए बी से बड़ा हो सकता है या फिर जो है ए बी से छोटा हो सकता है, ठीक है। आइदर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी, यही मतलब होता है इसका, ठीक है।
और एक क्वेश्चन आपके लिए। आपके स्क्रीन पर जितने भी सिंबल हैं, क्या इन सब के सिंबल के अलावा कोई और सिंबल बन सकता है यहाँ पर? इन सब सिंबल के अलावा क्या यहाँ पर कोई सिंबल बन सकता है? ओके, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकली डेवलप, आप हमारी थिंकिंग डेवलप करनी है। यहाँ पर हमें थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करनी है। हमने क्या किया था? ग्रेटर देन को और इक्वल टू को कंबाइन किया था, ग्रेटर देन को और इक्वल टू को कंबाइन किया था। ओके, हमने पहले दोनों को कंबाइन किया, आखिरी दोनों को कंबाइन किया, तो क्या उसी तरीके से इन दोनों को कंबाइन करना पॉसिबल था? बिल्कुल था। अगर इन दोनों को कंबाइन करते थे तो सिंबल क्या मिलता था? आइदर ग्रेटर और लेस दैन। अगर थोड़ा सा ध्यान से अगर हम देखते हैं तो यहां पर हम कह सकते थे ना, ए इज आइदर ग्रेटर और लेस दैन बी, ए इज आइदर ग्रेटर और लेस दैन बी, इसी का तो मतलब था ना। यहां पर देखो, ए शायद बड़ा हो सकता था या फिर छोटा हो सकता था, मतलब आइदर ग्रेटर और लेस देन बी। ओके, इनका कॉम्बिनेशन, तो यहां पर तीन कॉम्बिनेशन साइंस पॉसिबल थे जो हमने यहां पर देख लिए। ठीक है, अब देखो यहां पर कोई और सिंबल पॉसिबल है क्या? थोड़ा सा सोचो। यहां पर हमने इसका नेगेटिव किया था, यहां पर हमने इसका नेगेटिव किया था, तो सिमिलरली पहले वाले और यहां पर इसका भी नेगेटिव पॉसिबल है ना? यहां पर हमें इन दोनों का भी नेगेटिव करना पॉसिबल है ना, ये हमें दिमाग में आना चाहिए, है ना? यहां पर जैसे जैसे हम क्वेश्चन कंसेप्ट सीख रहे हैं तो उससे जुड़ी हुई सारी चीजें, सोचने की एबिलिटी हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखो, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, पढ़ेंगे कैसे हम इसको, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, मतलब क्या? वो बी से बड़ा नहीं है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा? अगर ए और बी के बीच में यहां पर ग्रेटर देन वाला साइन नहीं आ सकता है, ए और बी के बीच में यहां पर ग्रेटर देन वाला साइन नहीं आ सकता है, तो कौन कौन से साइन आ सकते हैं? जो दो बचे हैं वो आ जाएंगे। तो यहां पर साइन क्या आ जाएगा? ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। क्या आ सकता है? ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। ओके, अब देखो यहां पर इसका मतलब पढ़ेंगे कैसे हम इसको, ए इज नॉट लेस देन बी, पढ़ेंगे कैसे हम इसको, ए इज नॉट लेस देन बी। अब नॉट लेस देन का मतलब, अगर ए और बी के बीच में लेस देन वाला साइन नहीं आता है तो कौन कौन से साइन आ सकते हैं? या तो ग्रेटर आ सकता है या फिर इक्वल आ सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा? ए इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू बी। एक बात याद रखना, हम यहां पर कौन से सिंबल देख रहे हैं? नेगेटिव सिंबल देख रहे हैं। हम यहां पर कौन से सिंबल देख रहे हैं? नेगेटिव सिंबल्स देख रहे हैं। ठीक है, जिस किसी भी सिंबल के ऊपर, तो यहां पर जो भी ये नेगेटिव सिंबल है, जिस किसी भी सिंबल के ऊपर नेगेटिव वाला साइन लगता है, वो सिंबल छोड़कर उनके बीच में बाकी सारे सिंबल्स आ सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? नॉट लेस देन बी। नॉट लेस देन बी का मतलब क्या है? आइदर ग्रेटर और इक्वल। ठीक है, वैसे ही हम इन तीनों के नेगेटिव साइंस बना सकते थे, नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, नाइदर ग्रेटर नॉर लेस देन, एंड नाइदर लेस नॉर इक्वल। ठीक है, इन सब के नेगेटिव साइंस क्या बनाए हमने? ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू बी। ठीक है, अब यहां पर ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो तीन सिंबल देखे हैं हमने, उसका मतलब समझते हैं पहले। ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू बी, यहां पर क्या कहा है? वो ग्रेटर भी नहीं है एंड इक्वल भी नहीं है, मतलब ग्रेटर नहीं इक्वल नहीं, तो बचा सिंबल कौन सा? लेस देन बी। ठीक है, बचा सिंबल कौन सा? ए इज लेस देन बी। यहां पर ये वाले सिंबल का मतलब देखते हैं, क्या दिया है ये? ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर लेस देन बी, पढ़ेंगे कैसे ये? ए जो है वो बी से बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है। ठीक है, बड़ा भी नहीं छोटा भी नहीं, मतलब कौन सा सिंबल आ सकता है यहाँ पर? बस इक्वल टू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता? ए इज इक्वल टू बी। ओके, अब यहां पर लास्ट वाले सिंबल का मतलब देखते हैं हम, इसका मतलब क्या है? ए इज नाइदर लेस नॉर इक्वल टू बी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? लेस देन भी नहीं आएगा, इक्वल भी नहीं आएगा,
तो क्या आना चाहिए यहाँ पर? ग्रेटर देन आना चाहिए, ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है? इनके अलावा और कोई भी सिंबल बनना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो हमने अब तक क्या देखा, ये जो हमारे पास तीन सिंबल्स है ये बेसिक कंपैरिजन है, ठीक है? और इन तीनों से क्या क्या कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है कंपैरिजन का, ये अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब देखो यहाँ पर हमें सब सिंबल, यहाँ पर ए और बी के बीच में हमें क्या है, हर जगह पर कुछ ना कुछ रिलेशन पता है, हर जगह पर हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ रिलेशन पता है। इन केस ए और बी के बीच में अगर हमें कोई भी रिलेशन पता नहीं है, अगर ए और बी के बीच का रिलेशन हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, अगर ए और बी के बीच में हम यहाँ पर कुछ भी रिलेशन कंफर्म डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? ऊपर हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया है, ए और बी के बीच में कोई रिलेशन अगर हमें कंफर्म दिया गया है तो उसका मतलब क्या होगा? पर इन केस ए और बी के बीच में अगर हमें कोई रिलेशन ही पता नहीं होगा, ए और बी के बीच में अगर हमें कोई भी रिलेशन पता नहीं होगा, तो इसमें क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? ए बी से बड़ा हो सकता है, या फिर ए बी के बराबर हो सकता है, या फिर ए बी से छोटा हो सकता है, ठीक है? अगर ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, अभी मैंने यहां पर आपके सामने जो भी मतलब डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे मतलब हमें सही गलत करने में और आइदर और में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। आइदर और में जो मैक्सिमम लोगों का कंफ्यूजन रहता है वो क्लियर हो जाएगा अगर ये सारे की सारी चीजें उनको क्लियर है। तो यहां पर ए और बी के बीच में अगर हम कोई भी रिलेशन डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं तो उनके बीच में क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? उनके बीच में तीन रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं, ए बी से बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, या फिर छोटा हो सकता है। चलो यहाँ पर एक करेक्शन था, यहाँ पर इक्वल टू वाला सिंबल होना चाहिए था, ठीक है? क्लियर है सबको जी? आपके आने वाले आरआरबी के सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, ठीक है? अगर आप देख रहे हो तो अब तक आपने ये सिंबल शायद नहीं देखे होंगे, ये सिंबल्स आपके लिए, इनमें से ये छोड़कर शायद सारे सिंबल आपके लिए नए हैं, ठीक है? तो हम जीरो से लेकर एडवांस लेवल सारा का सारा कवर करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, डोंट वरी। चलो अब देखो यहाँ पर, अब एक छोटी सी कहानी सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे, जिनको प्रायोरिटीज वगैरह कुछ भी नहीं पता है। एक छोटा सा घर है, उस घर की कहानी है। इस घर में कौन कौन रहता है? देखो इस घर में रहता है एक चाइल्ड, ठीक है? इस घर में दो फैमिलीज हैं, ये है घर की पहली फैमिली और ये है घर की दूसरी फैमिली। चाइल्ड यहाँ पर रहता है एक फादर, यहाँ पर रहते हैं एक फादर, ठीक है? इस घर में यहाँ पर रहते हैं एक ग्रैंडफादर और इस घर में यहाँ पर इस फैमिली में रहते हैं यहाँ पर एक ग्रैंडफादर। तो ये जो चाइल्ड है इसको हम इक्वल टू वाला साइन कहेंगे। ये जो चाइल्ड है ये हमने अभी जो सिंबल देखे हैं उसी सिंबल्स को हम यहाँ पे प्लेस करने वाले हैं। ये फादर जो है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे जो फादर है वो है लेस देन इक्वल टू, ठीक है? यहाँ पे जो ग्रैंडफादर है वो है ग्रेटर देन एंड यहाँ पे जो ग्रैंडफादर है वो है लेस देन, ठीक है? तो फैमिली मेंबर आपको क्लियर हुए हैं, ठीक है? इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड लेस देन। यहां पर इन फैमिली सिंबल्स, ये जो मेंबर्स देखे हैं इनका मतलब क्या है? देखो किसी फैमिली में अगर चाइल्ड और फादर प्रेजेंट रहते हैं तो उस फैमिली में चलेगी किसकी? ऑब्वियसली फादर की चलेगी, है ना? किसी फैमिली में फादर और ग्रैंडफादर प्रेजेंट रहे तो उस फैमिली में चलेगी किसकी? ग्रैंडफादर की चलेगी, है ना? अगर किसी फैमिली में चाइल्ड, फादर एंड ग्रैंडफादर सभी लोग प्रेजेंट रहते हैं तो उस फैमिली में चलेगी किसकी? ऑब्वियसली ग्रैंडफादर की चलेगी, ठीक है? तो यहां पर अब ये हमने थोड़ी सी प्रायोरिटी देखी है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है और इसके इम्प्लीमेंटेशन से हमें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं हम देख लेते हैं। अगर हमें एक्सप्रेशन दिया है ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ठीक है? ये एक्सप्रेशन हमें दिया है और यहां से हमें पूछा है ए और सी के बीच में क्या रिलेशन आएगा। अब ए और सी के बीच में क्या रिलेशन आएगा ये हमें बताना है। तो ए से लेकर सी तक जाते हैं तो यहाँ पर कौन कौन से सिंबल आते हैं? एक तो आता है ये जिसको हम क्या कहते हैं, फादर, एंड दूसरा आता है इक्वल टू वाला जिसको हम क्या कहते हैं, चाइल्ड, ठीक है? तो फादर और चाइल्ड में चलेगी किसकी ज्यादा? ऑब्वियसली फादर की। ए और सी के बीच में जो रिलेशन आएगा
वो कौन सा होगा? ऑब्वियसली फादर वाला होगा, ठीक है। ए और सी के बीच में जो रिलेशन आएगा वो कौन सा होगा? फादर वाला होगा। फादर कौन होगा इसमें से? तो ये फेस जिसकी तरफ खुल रहा है, ये फेस जिसकी तरफ खुल रहा है वो फादर होना चाहिए था। तो ए और सी के बीच में रिलेशन क्या आएगा? ए इज ग्रेटर दैन इक्वल टू सी। ओके, अब देखो दूसरा, अगर हमें एक्सप्रेशन दिया है ए इज ग्रेटर दैन बी, ए इज ग्रेटर दैन बी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी, ये एक्सप्रेशन हमें दिया है और यहां से हमें रिलेशन पूछा है कि बी और डी के बीच में रिलेशन क्या आएगा, ठीक है। अब बी से लेकर डी तक जाना है हमें, ठीक है। रिलेशन निकालने के लिए हमें क्या करना है? जिन दोनों में रिलेशन चाहिए उनके बीच में कौन कौन से सिंबल आए हैं, सिर्फ उसके ऊपर ध्यान देना है। कौन कौन से सिंबल आया है इसमें? ये आया है कौन सा? फादर वाला। एंड ये आया है चाइल्ड वाला। तो फादर और चाइल्ड में प्रायोरिटी ज्यादा किसकी? फादर की। ये फादर मुंह किसकी तरफ खुल रहा है? बी की तरफ। तो यहां पर रिलेशन क्या मिलेगा? बी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू डी। यहां से हमें ए और सी के बीच में रिलेशन निकालना है। तो यहां पर ए और सी के बीच में रिलेशन क्या होगा? यहां पर देखो ए और सी के बीच में कौन कौन से सिंबल मिलते हैं? ग्रैंडफादर मिलते हैं एंड यहाँ पर फादर मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन सी रिलेशन आएगा। ए और डी के बीच में अगर रिलेशन पूछा जाता है तो ग्रैंडफादर, फादर एंड चाइल्ड, इनमें से सबसे ज्यादा चलेगी किसकी? ग्रैंडफादर की। तो यहाँ पर ए और डी के बीच में रिलेशन क्या आएगा? ए इज ग्रेटर देन डी, ठीक है। एक आखिरी एक्सप्रेशन देखते हैं एंड फिर इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक एक्सप्रेशन दिया है हमें ए इज ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी इज लेस देन इक्वल टू डी इज लेस देन ई, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा चेंज करते हैं इस एक्सप्रेशन को। सी इज इक्वल टू डी इज लेस देन इक्वल टू ई एंड इज लेस देन एफ, ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ वेरिएबल्स बताऊंगा, अब मैं आपको सिर्फ वेरिएबल्स बताऊंगा, उनके बीच में आपको रिलेशन जल्दी से बताना है और सबको बताना है। सी और ई के बीच में रिलेशन बताओ, सी और एफ के बीच में रिलेशन बताओ, ठीक है। एंड इसके बाद ई और सी के, ये हो गया, एंड इसके बाद डी और एफ के बीच में रिलेशन बताओ, क्या क्या रिलेशंस मिलेंगे जल्दी बताओ। सी और ई के बीच में रिलेशन, सी से ई तक जाते हैं यहां पर इक्वल टू एंड यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, मतलब चाइल्ड एंड फादर, चाइल्ड और फादर में प्रायोरिटी ज्यादा किसकी? फादर की। तो ये रिलेशन क्या आ जाएगा? ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। इसको आप ऐसे लिखो या फिर सी इज लेस देन इक्वल टू ई ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब तो सेम है, मतलब तो सेम है, ठीक है। सी और एफ के बीच में रिलेशन देखते हैं, यहाँ पर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एंड लेस देन, ठीक है। इसमें प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? लेस देन की होगी, ठीक है। सबसे कम प्रायोरिटी, उससे थोड़ी ज्यादा प्रायोरिटी एंड सबसे ज्यादा प्रायोरिटी। तो एफ इज ग्रेटर देन सी ऐसा लिखो या फिर सी इज लेस देन एफ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डी और एफ के बीच में रिलेशन चाहिए था, डी और एफ के बीच में रिलेशन क्या आएगा? एफ इज ग्रेटर देन डी या फिर डी इज लेस देन एफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहां पर अब आखिरी कुछ चीज है, ए और ई के बीच में रिलेशन क्या आएगा सब लोग बताओ। तो ए से लेकर अगर ई तक जाते हैं तो यहां पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू, ये दोनों भी हमें अलग फैमिली से मेंबर मिले, ये दोनों भी क्या हुए हैं? हमें अलग फैमिली से मेंबर मिले हैं। अगर हमारे रास्ते में अलग अलग फैमिली से मेंबर आते हैं तो इसका मतलब क्या निकलता है? कि ए और ई के बीच में हम रिलेशन डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। रिलेशन क्या आना चाहिए था? कैनॉट बी डिटरमाइंड। कैनॉट बी डिटरमाइंड का मतलब क्या? वो ग्रेटर हो सकता है, लेस हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कैनॉट बी डिटरमाइंड का मतलब वो बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है या फिर छोटा भी हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली ए और एफ के बीच में रिलेशन क्या आएगा? कैनॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि बीच में अपोजिट फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। बी और एफ के बीच में क्या रिलेशन आएगा? कैनॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। अब तक हमने क्या देखा है? इससे पहले हमने सारे सिंबल के मीनिंग डिस्कस किए हैं एंड हमने यहां पर उनकी प्रायोरिटीज डिस्कस की है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना सब लोग। अब आते हैं हम सवाल पर, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं?
यहां पर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं। स्टेटमेंट हमें दिया है p इज ग्रेटर देन q इज ग्रेटर देन r इज ग्रेटर देन इक्वल टू s इज ग्रेटर देन इक्वल टू t इज लेस देन इक्वल टू u इज लेस देन v इज लेस देन इक्वल टू w इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन y इज इक्वल टू z। ठीक है, एक स्टेटमेंट हमें दिया है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमें दिया है और इसके ऊपर हमें कंक्लूजन पूछे गए हैं। पहला कंक्लूजन हमें पूछा है t इज लेस देन p। पहला कंक्लूजन हमें क्या पूछा है, t इज लेस देन p, एंड दूसरा कंक्लूजन हमें पूछा है r इज ग्रेटर देन t। ठीक है, एग्जाम में हमें ऐसा स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसके ऊपर कंक्लूजन। हमें आंसर कैसे करना होता है, ओनली वन फॉलोज या फिर ओनली टू फॉलोज, आइदर वन और टू फॉलोज। ठीक है, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज या फिर बोथ वन एंड टू फॉलोज। ठीक है, इस फॉर्मेट में हमें ऑप्शन करना आंसर करना होता है। अब इसमें से अगर सिर्फ पहला कंक्लूजन सही हुआ तो ओनली वन फॉलोज, सिर्फ दूसरा कंक्लूजन सही हुआ तो ओनली टू फॉलोज। ठीक है, अगर दोनों गलत हुए तो नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, अगर दोनों के दोनों सही हुए यहां पर तो बोथ वन एंड टू फॉलोज। ऐसे हमें आंसर मार्क करने होते हैं। ठीक है, अब देखो आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, ये तो शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पहले से आता है। ओके, अब देखो यहां पर सारी बेसिक से लेकर एडवांस तक हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसी भी चीजें आएंगी इसमें जो आपको पता नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर थोड़े से ध्यान दो सब लोग। क्या करना है, देखो सबसे पहले कंक्लूजन पढ़ना है हमें। सबसे पहले क्या करना है, हमें कंक्लूजन पढ़ना है। कंक्लूजन में वेरिएबल कौन से दिए थे, टी एंड पी। कंक्लूजन में वेरिएबल कौन से दिए थे, टी एंड पी। तो इन दोनों के बीच में स्टेटमेंट से हमें सबसे पहले रिलेशन पता करना है। स्टेटमेंट से अगर हम पी और टी के बीच में रिलेशन पता करने की कोशिश करते हैं तो इन सब में प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसकी है, ग्रेटर देन की। तो पी और टी के बीच में रिलेशन क्या आएगा, पी इज ग्रेटर देन टी। ठीक है, पी और टी के बीच में रिलेशन क्या मिलेगा हमें, पी इज ग्रेटर देन टी। ये आइदर और वाला जो है इसके ऊपर अभी थोड़ा सा ध्यान मत दो, ये आइदर और हम इसके बाद कवर करेंगे। ठीक है, फिलहाल ये चार क्या है इसको क्लियर करते हैं एंड फिर आइदर और की तरफ बढ़ते हैं। सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी, सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। ठीक है, सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप डिफिकल्टी लेवल वाइज हम आगे बढ़ते चलेंगे। सो डोंट वरी, सारी चीजें आपकी एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जो रिलेशन हमें मिला है, जो रिलेशन हमें मिला है और जो रिलेशन हमें चेक करने के लिए दिया था, क्या ये दोनों रिलेशन 100% मैच होते हैं, मैं मतलब की बात कर रहा हूं। यहां पर ये रिलेशन कहता है P इज ग्रैंडफादर ऑफ T, एंड यहां पर भी ये रिलेशन कहता है P इज ग्रैंडफादर ऑफ T। तो मतलब के हिसाब से ये दोनों भी 100% मैच हो रहे हैं। ठीक है, 100% मैच होता है मतलब ये पहला कंक्लूजन क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, R एंड T के बीच में रिलेशन देखते हैं। R एंड T के बीच में रिलेशन क्या दिया है हमें, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू T। यहां से हमें रिलेशन क्या मिलता है R एंड T के बीच में, R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू T। अब जो रिलेशन हमें मिला है और जो रिलेशन हमें चेक करने के लिए कहा था, क्या ये दोनों 100% मैच हो रहे हैं, नहीं, क्योंकि यहां पर ये क्या कह रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहां पर ये क्या कह रहा है, सिर्फ ग्रेटर देन। यहां पर ये क्या कह रहा है, सिर्फ ग्रेटर देन, 100% मैच नहीं हुआ, मतलब ये क्या होना चाहिए था, गलत होना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें सिर्फ पहला कंक्लूजन सही हुआ है, तो इन ऑप्शन में से हमें क्या मार्क करना चाहिए, ओनली वन फॉलोज। इसमें से हमें क्या मार्क करना चाहिए, ओनली वन फॉलोज। कंक्लूजन सही कब होता है, जब स्टेटमेंट से हमें उनके बीच में जो रिलेशन मिलता है वो एग्जैक्टली उसी मतलब का एक्सप्रेशन हमें कंक्लूजन में अगर मिला, 100% मैच हुआ तो ही वो सही होगा। चलो यहां पर दूसरा कंक्लूजन देता हूं मैं आपको। अब यहां पर मैं कुछ कंक्लूजन लिखता हूं, वो सबके आंसर आपको चेक करना है। ठीक है, ये दूसरा कंक्लूजन का सेट है और आपको बताना है कि ऑप्शन कौन सा होगा इनमें से। पी इज ग्रेटर देन यू एंड यहां पर z इज लेस देन x। तीसरा हमें यहां पर दिया है, पहला कंक्लूजन है इसमें r इज ग्रेटर देन इक्वल टू v, एंड दूसरा कंक्लूजन है
एक्स इज लेस देन और इक्वल टू यू, ठीक है। चौथा कंक्लूजन हमें यहां पर दिया है, चौथा कंक्लूजन हमें यहां पर दिया है, वी इज ग्रेटर, डब्ल्यू इज ग्रेटर देन टी एंड डब्ल्यू जेड इज लेस देन डब्ल्यू। पांचवा कंक्लूजन में हमें दिया है। अब देखो, ये बेसिक सवाल था और ये थोड़ा सा एडवांस सवाल था। बेसिक क्वेश्चन में हमने जो मेथड अप्लाई की है एग्जैक्टली उसी मेथड से हम एडवांस क्वेश्चन भी टैकल करने वाले हैं। रीजनिंग में हमारा अप्रोच यही होगा कि जो मेथड हम बेसिक में अप्लाई करेंगे उसी मेथड से हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो मेथड से हम बेसिक सॉल्व करते हैं उसी मेथड से हमें एडवांस क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। पी और यू के बीच में रिलेशन चाहिए था, पी और यू के बीच में रिलेशन क्या आएगा यहां पर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। पी और यू के बीच में रिलेशन क्या आ जाएगा यहां पर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो यहां पर मैच नहीं होगा 100%, मतलब पहला कंक्लूजन गलत हो गया। 100% मैच नहीं हुआ मतलब पहला कंक्लूजन गलत नहीं हुआ, ठीक है। दूसरे कंक्लूजन के लिए हमें किन दो वेरिएबल में रिलेशन चाहिए, एक्स और जेड में। एक्स और जेड में अगर हम रिलेशन चेक करते हैं तो रिलेशन क्या मिलेगा हमें, एक्स इज ग्रेटर देन जेड। स्टेटमेंट से रिलेशन क्या मिलता है हमें, एक्स इज ग्रेटर देन जेड। तो जो रिलेशन हमें मिला है और जो चेक करना था, 100% मैच हो गए। 100% मैच हो गए मतलब दूसरा कंक्लूजन क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा, ओनली टू फॉलोस। इसका आंसर क्या होगा, ओनली टू फॉलोस। अब यहां पर तीसरा कंक्लूजन चेक करते हैं, आर एंड वी में रिलेशन चाहिए था हमें, आर यहां पर है एंड वी यहां पर है, ठीक है। आर और वी के बीच में रिलेशन क्या मिलेगा हमें, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि यहां पर अपोजिट फैमिली के मेंबर आ रहे हैं, ठीक है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड मतलब पहला कंक्लूजन गलत हो गया हमारा, है ना। कैन नॉट बी डिटरमाइंड मतलब पहला कंक्लूजन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। दूसरा कंक्लूजन चेक करते हैं, एक्स और यू के बीच में रिलेशन चाहिए था, एक्स और यू के बीच में रिलेशन चाहिए, तो यहां पर भी अपोजिट फैमिली के मेंबर मिलते हैं। अपोजिट फैमिली के मेंबर मतलब एक्स एंड यू के बीच में भी रिलेशन क्या मिलेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आर एंड वी के बीच में तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड मिला ही था, सिमिलरली एक्स एंड यू के बीच में भी क्या मिला हमें, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब ये भी कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो यहां पर ये दोनों भी कंक्लूजन गलत हुए हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। इसका आंसर क्या होगा, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। यहां पर फोर्थ कंक्लूजन चेक करते हैं, फोर्थ कंक्लूजन में हमें रिलेशन किन के बीच में चाहिए, डब्ल्यू एंड टी के बीच में। फोर्थ कंक्लूजन में हमें रिलेशन किन के बीच में चाहिए, डब्ल्यू और टी के बीच में। डब्ल्यू और टी के बीच में रिलेशन क्या मिलता है हमें, यहां पर देखो डब्ल्यू से टी तक जाते हैं, सारे मेंबर सेम फैमिली के हैं, प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसकी रहेगी, फादर ग्रैंडफादर की रहेगी। चलो तो डब्ल्यू और टी के बीच में रिलेशन क्या मिलता है हमें, डब्ल्यू इज ग्रेटर देन टी, ठीक है। W और तो ये जो रिलेशन हमें मिला है और जो चेक करना था, 100% मैच हो रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आगे Z एंड W के बीच में रिलेशन चाहिए था हमें, Z एंड W के बीच में रिलेशन क्या मिलता है, ग्रेटर देन वाला मिलेगा, W इज ग्रेटर देन Z, तो ये भी मैच हुआ, मतलब ये भी क्या होना चाहिए था, सही होना चाहिए था। अब यहां पर T और P के बीच में रिलेशन चाहिए हमें, क्या चाहिए, T और P के बीच में रिलेशन, T और P के बीच में रिलेशन क्या मिलता है हमें, P इज ग्रेटर देन T, P इज ग्रेटर देन T, P और T के बीच में रिलेशन क्या है, P इज ग्रेटर देन T। तो जो रिलेशन हमें मिला है और जो रिलेशन हमें चेक करना था, क्या वो 100% मैच हुए है, चेक करो। यहां पर दिया क्या है, नाइदर लेस नॉर इक्वल। नाइदर लेस नॉर इक्वल का मतलब क्या होता है, T इज ग्रेटर देन P, नाइदर लेस नॉर इक्वल। T जो है वो P से छोटा भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, T जो है P से बड़ा होगा, ठीक है। अब देखो जो रिलेशन हमें दिया था और जो चेक करना था, क्या ये 100% मैच हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं ना, यहां पर 100% मैच हो रहा है क्या, देखो नहीं हो रहा है।
ठीक है, तो पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें पहले कंक्लूजन में किसी को डाउट है तो जल्दी से पूछो, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन चेक करते हैं, पी और जेड के बीच में रिलेशन चाहिए। पी और जेड के बीच में रिलेशन क्या है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। पी और जेड के बीच में रिलेशन क्या दिया है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। पी और टी के बीच में रिलेशन क्या मिलता है हमें यहां पर, पी इज ग्रेटर देन टी, ये रिलेशन मिला है, ठीक है। एंड कंक्लूजन में क्या दिया था, टी इज नाइदर लेस नॉर इक्वल टू पी, टी इज नाइदर लेस नॉर इक्वल टू पी, ठीक है। इसका मतलब नाइदर लेस नॉर इक्वल टू पी का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन, हमने एकदम शुरुआत में ही डिस्कस किया था। तो ये जो कंक्लूजन हमें ऐसा दिया था, इसका मतलब क्या होता है, टी इज ग्रेटर देन पी, इसका मतलब क्या होता है, टी इज ग्रेटर देन पी। हमें रिलेशन मिला था पी बड़ा होना चाहिए था, पर यहाँ पर कंक्लूजन में दिया था, ये मैच नहीं हुआ था, इसलिए हमारा पहला कंक्लूजन गलत हुआ था, ठीक है। आई गेस अभी किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, कैन नॉट बी डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है, तीन पॉसिबिलिटीज। कैन नॉट बी डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है, तीन पॉसिबिलिटीज। तो यहां पर नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है, आइदर ग्रेटर और लेस, यहां पर तो दो ही कवर हुए हैं। इक्वल टू वाला आया है क्या यहां पर, नहीं। हमारा कंक्लूजन क्या था यहां पर, पी इज नॉट इक्वल टू जेड। मैं यहां पर कंक्लूजन दोबारा से लिख लेता हूं, क्या है हमारा कंक्लूजन था, पी इज नॉट इक्वल टू जेड। नॉट इक्वल टू का मतलब या तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, ठीक है। तो यहां पर भी 100% मैच नहीं हुआ, इसका मतलब ये भी क्या होना चाहिए था, गलत होना चाहिए था, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहां पर नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, ठीक है। आखिरी देखते हैं, आर एंड टी के बीच में क्या रिलेशन दिया है, हमें ये पहले निकालना है, ठीक है। अब यहां पर स्टेटमेंट में से आर एंड टी के बीच में हम रिलेशन निकालते हैं। आर और टी के बीच में रिलेशन क्या आता है, यहां पर देखो, इन दोनों में प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है, दोनों सेम ही है, तो रिलेशन आएगा आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टी। इनमें रिलेशन क्या आएगा, आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टी। अब जो मिला है और जो दिया था वो 100% मैच होते हैं क्या, चेक करो। नॉट लेस देन का मतलब क्या होता है, अगर वो छोटा नहीं है, हमें पता है ना कोई भी दो सिंबल में सिर्फ इन तीन तरीकों से कंपैरिजन हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ये नॉट लेस देन, ये वाला सिंबल अगर नहीं आता है तो बचते कौन से है, सिर्फ ये दोनों, तो इसका मतलब क्या होगा, आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टी, ठीक है। तो जो हमें रिलेशन मिला था और जो चेक करने के लिए दिया था, 100% मैच हो रहा है, यानी पहला कंक्लूजन क्या हुआ, यानी पहला कंक्लूजन क्या हुआ, सही हुआ, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन देखो, W और U के बीच में रिलेशन चाहिए, W एंड U के बीच में हमें रिलेशन चाहिए था। W और U के बीच में रिलेशन क्या मिलता है हमें, W इज ग्रेटर देन U, ठीक है, W इज ग्रेटर देन U। अब W इज ग्रेटर देन U मिला है, इसका मतलब क्या है, देखो हमें यहां पर क्या दिया था, W इज नाइदर लेस नॉर इक्वल टू U, W is neither less nor equal to U, इसका मतलब ये जो सिंबल था neither less nor equal, इसका मतलब क्या होता है, greater than U, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें रिलेशन मिला था और जो चेक करने के लिए कहा था, 100% मैच हुए है, यानी दूसरा भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। कंक्लूजन दिया था P is not equal to Z, not equal to Z का मतलब क्या होता है, P is either greater or less than Z, P is either greater or less than Z, ठीक है। पर P और Z के बीच में हमें रिलेशन क्या मिला था, cannot be determined, क्यों, क्योंकि P से Z के बीच में जाते हैं तो फैमिली मेंबर अपोजिट थे, ठीक है, फैमिली मेंबर क्या थे यहां पर, अपोजिट थे, ओके। अब यहां पर देखो, ये सारा का सारा खेल हमने जो नेगेटिव सिंबल देखे हैं ना, उनके मतलब का है, नेगेटिव सिंबल का जो मीनिंग है उसी से रिलेटेड सारा का सारा खेल है यहां, ठीक है। अब कैन नॉट बी डिटरमाइंड में होती है तीन पॉसिबिलिटीज, हमें पता है कौन कौन सी तीन पॉसिबिलिटीज होती है कैन नॉट बी डिटरमाइंड में, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन। पर यहां पर कंक्लूजन में तो दो ही मिल रही थी, इसीलिए ये कंक्लूजन क्या हुआ था, गलत हुआ था, ठीक है। चलो अब आते हैं आइदर और केस पर,
ठीक है, क्योंकि अब तक हमने इनमें से ये ऑप्शन देख लिया है, ये ऑप्शन देख लिया, ये ऑप्शन देख लिया, ये ऑप्शन देख लिया, ये कब आता है ये नहीं देखा है, और अब हम इसी को डिस्कस करेंगे। जब भी नेगेटिव सिंबल आएगा, ठीक है, मैं यहां पर बता देता हूं, जब भी नेगेटिव सिंबल आएगा, अगर आपको पहले चार कंक्लूजन क्लियर है तो आगे देखो, नेगेटिव सिंबल आने के बाद सबसे पहले उसका मीनिंग देखो क्या है, ठीक है, एंड मीनिंग पता चलने के बाद उसको उसी वे में कंपेयर करो जो जिस वे में हमने पहले वाले टैकल किए थे। ठीक है, मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं, ठीक है, इसके बाद आपका इधर और कभी गलत नहीं होगा, बस इसको आपको ध्यान से सुनना है। ये स्टेटमेंट हमें दिया है और इसके ऊपर कंक्लूजन लेता हूं मैं। पहला कंक्लूजन हमें दिया है बी इज ग्रेटर देन डी, एंड दूसरा कंक्लूजन हमें दिया है बी इज इक्वल टू डी। इसका आंसर क्या होगा बताओ? कंक्लूजन का दूसरा सेट हमें दिया है, पहला कंक्लूजन इसमें दिया है हमें ए इज ग्रेटर देन एफ, एंड दूसरा कंक्लूजन हमें दिया है ए इज लेस देन इक्वल टू एफ। तीसरा कंक्लूजन हमें दिया है कि बी इज ग्रेटर देन एल, एंड इसमें दूसरा दिया है हमें एल इज लेस देन इक्वल टू बी। इन तीनों के आंसर्स क्या होंगे मुझे बताओ सब लोग? बी और डी के बीच में रिलेशन चाहिए हमें यहां पर। बी और डी के बीच में स्टेटमेंट में से रिलेशन क्या मिलता है? बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी। ठीक है, बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, तो ये दोनों भी कंक्लूजन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। दोनों भी गलत है तो अब तक हमने जो देखा है उस हिसाब से आंसर तो नाइदर नॉर होना चाहिए था, है ना? पर है नहीं इसका आंसर नाइदर नॉर, इसका आंसर है आइदर और। इसका आंसर क्या है? आइदर और। क्यों? यहां पर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती है, आइदर और के लिए कुछ कंडीशंस होती है, ठीक है, आइदर और की कुछ कंडीशंस होती है। वो कंडीशंस क्या है हम यहां पर देख लेते हैं। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आंसर हमेशा आइदर और में आएगा। पहली कंडीशन ये होती है, हमारे पास दो कंक्लूजन होने चाहिए जिनमें सेम वेरिएबल हो। ठीक है, यहां पर देखो, पहले कंक्लूजन में भी बी और डी है, दूसरे कंक्लूजन में भी बी और डी है, दो कंक्लूजन में यहां पर क्या है हमारे पास? सेम वेरिएबल है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये होती है हमारे पास कि वो दोनों के दोनों कंक्लूजन जो है वो गलत होने चाहिए। यहां पर पहला भी कंक्लूजन गलत हुआ है, दूसरा भी कंक्लूजन गलत हुआ है, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, है ना? पहली कंडीशन दो कंक्लूजन सेम वेरिएबल, दूसरी कंडीशन दो कंक्लूजन दोनों के दोनों गलत। तीसरी कंडीशन ये होती है कि ऑल पॉसिबिलिटीज मस्ट हैव बीन कवर्ड, ऑल पॉसिबिलिटीज मस्ट बी कवर्ड, सारी पॉसिबिलिटीज कवर होनी चाहिए। मतलब देखो, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, रिलेशन क्या मिला था हमें? बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, तो बी और डी के बीच में जितनी भी पॉसिबिलिटीज है वो सारी की सारी यहां पर कवर होनी चाहिए। तो क्या पॉसिबिलिटीज है? बी या तो डी से बड़ा हो सकता है या फिर बी डी के बराबर हो सकता है। देखो, कंक्लूजन में बी इज ग्रेटर देन डी भी आ चुका है, बी इज इक्वल टू डी भी आ चुका है। ठीक है, बी और डी यहां पर कंक्लूजन गलत कब करते हैं? जब वो 100% मैच नहीं होता है। बी और डी के बीच में रिलेशन था ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां पर सिर्फ ग्रेटर देन दिया था, 100% मैच नहीं, मतलब गलत। क्लियर है सबको? ठीक है, तो इसका आंसर आइदर और होगा। यहां पर बी इज ग्रेटर देन डी भी इसमें कवर हो चुका है, एंड बी इज इक्वल टू डी भी इसमें कवर हो चुका है। क्या आइदर और क्लियर है? ठीक है, अब यहां पर देखो, ज्यादातर लोगों को ऑल पॉसिबिलिटीज में यह डाउट रहता है कि दो पॉसिबिलिटीज कब चेक करनी है, ठीक है, एंड तीन पॉसिबिलिटीज कब चेक करनी है। ठीक है, ये चीज भी क्लियर हो जाएगी यहां पर। सेकेंड कंडीशन, दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। ठीक है, यहां पर देखो, ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं। इनइक्वालिटी हो चाहे सिलॉजिज्म हो, सबसे पहले हमें कंक्लूजन स्कैन करने हैं और देखना है कोई दो ऐसे कंक्लूजन है क्या हमारे पास
जिनमें वेरिएबल बिल्कुल सेम हो। कोई ऐसे दो कंक्लूजन है क्या हमारे पास जिनमें वेरिएबल बिल्कुल सेम हो? फॉर एग्जाम्पल देखो, इसमें ए एफ दोनों कंक्लूजन में वेरिएबल सेम है, आइदर और की पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दो कंक्लूजन सेम वेरिएबल। दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, वो दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। देखते हैं दोनों के दोनों गलत है या नहीं। ए और एफ के बीच में रिलेशन क्या मिल रहा है यहाँ पर? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ए एंड एफ के बीच में रिलेशन क्या मिलता है हमें यहाँ पर? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये दोनों भी कंक्लूजन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दोनों भी कंक्लूजन गलत हो गए, इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई दूसरे कंक्लूजन के लिए हमारे। ठीक है, तीसरी कंडीशन चेक करते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज कवर हुई है या नहीं। ए और एफ के बीच में रिलेशन क्या मिला है हमें? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ए और एफ के बीच में रिलेशन क्या मिला है हमें? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो पॉसिबिलिटीज कितनी होगी यहां पर? कैन नॉट बी डिटरमाइंड का मतलब ए जो है एफ से बड़ा हो सकता है, या फिर ए जो है वो एफ के बराबर हो सकता है, या फिर ए जो है वो एफ से छोटा हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन पॉसिबिलिटीज मिलती है हमें किससे? कैन नॉट बी डिटरमाइंड से। अब हमारा काम क्या है? ये तीनों की तीनों पॉसिबिलिटीज कंक्लूजन में आई है या नहीं, ये चेक करना है। ठीक है, अब देखो, ए इज ग्रेटर देन एफ पहले कंक्लूजन में कवर हो चुका है। ठीक है, दूसरा क्या दिया था? ए इज इक्वल टू एफ, दूसरे कंक्लूजन में देखो यहां पर छुपा हुआ है, लेस देन इक्वल टू में यहां पर इक्वल टू आ रहा है, इसका मतलब ये भी कंडीशन कवर हो चुकी है। ठीक है, यहां पर तीसरी कंडीशन देखो क्या दी है, ए इज लेस देन एफ, ये दूसरे कंक्लूजन में कवर हो चुकी है। ठीक है, तो यहां पर ये तीनों की तीनों कंडीशंस कवर हो चुकी थी, आइदर और की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, इसीलिए इसका आंसर यहां पर क्या होना चाहिए था? आइदर और। क्लियर है सबको? तो यहां पर दो पॉसिबिलिटीज कब चेक करनी है? जब इनके बीच में रिलेशन जो मिलता है वो सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज देता है। ठीक है, तीन पॉसिबिलिटीज कब चेक करेंगे? कैन नॉट बी डिटरमाइंड की केस वाले में। ठीक है, अब यहां पर देखो तीसरे वाले को चेक करते हैं, बी एल एंड बी एल दो कंक्लूजन में सेम वेरिएबल, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। बी और एल के बीच में रिलेशन क्या मिलेगा हमें स्टेटमेंट से देखते हैं, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि बी और एल के बीच में यहां पर फिर से क्या आ जाएंगे? अपोजिट फैमिली मेंबर। तो ये रिलेशन क्या आ जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, अब मैंने ये जो तीन कंडीशन है ना अब तक कम से कम 10 बार एक्सप्लेन की है। ठीक है, हर एक कंडीशन इसमें अब तक कम से कम 10 बार एक्सप्लेन हुई है, यहां पर फिर से वो कंडीशन रिपीट हो रही है, तो ध्यान से सुनो सब लोग। कैन नॉट बी डिटरमाइंड मतलब ये दोनों कंक्लूजन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। यहां पर दोनों कंक्लूजन गलत हो चुके हैं, आइदर और की दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई थी, सारी पॉसिबिलिटीज कवर हुई या नहीं चेक करते हैं। बी इज ग्रेटर देन एल, बी इज इक्वल टू एल एंड बी इज लेस देन एल। ठीक है, ओके, अब देखो ये तीनों कंडीशन इस सेशन इसमें यहां पर इस कंक्लूजन में कवर हुई है या नहीं देखते हैं। B इज ग्रेटर देन L कवर हो चुका है, ये कंडीशन कवर हो चुकी है। B इज इक्वल टू L सेकेंड में आया हुआ है, तो ये भी कंडीशन कवर हो चुकी है। B इज लेस देन L, B इज लेस देन L, ठीक है, यहां पर देखो ये कंडीशन कवर हुई है क्या? B इज लेस देन L फर्स्ट में भी नहीं है, है क्या यहां पर B इज लेस देन L? नहीं है। सेकेंड में चेक करो, B इज लेस देन L है क्या? नहीं है। तो ये कंडीशन हमें कवर नहीं हुई है ना ऑप्शंस में। सिंबल तीन दिखाई दे रहे हैं बट सिंबल से लेना देना नहीं होता है। हमारी ये क्या थी? ऑल पॉसिबल रिलेशन, ऑल पॉसिबिलिटीज। ठीक है, सारी पॉसिबिलिटीज कवर होनी चाहिए थी, इसमें एक रिलेशन मिसिंग है, इसीलिए इसका आंसर आइदर और नहीं होगा। इनमें से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो उसका आंसर आइदर और नहीं होता है। ठीक है, तो जो भी उसका आंसर यहां से हमें मिला है वो करेंगे। ये दोनों गलत हुए हैं तो इसका आंसर क्या करना चाहिए हमें? नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। ठीक है, तो ये आइदर और के बारे में पूरा का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है। ये कंडीशन ये कहती है कि यहां पर जो भी वेरिएबल आते हैं उनके बीच में
जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनती है वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज कंक्लूजन में कवर होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ए और एफ के बीच में रिलेशन क्या मिला था हमें, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ए और एफ के बीच में रिलेशन क्या मिला था हमें, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कैन नॉट बी डिटरमाइंड में होती है तीन पॉसिबिलिटीज, ये हमने तब डिस्कस किया था जब हम इसमें क्या कर रहे थे, सिंबल के मतलब डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो तीन पॉसिबिलिटीज, ए इज ग्रेटर देन एफ यहाँ पर आ चुका था, ए इज इक्वल टू एफ यहाँ पर सेकेंड में आ चुका था, ए इज लेस देन एफ फिर से सेकेंड में आ चुका था। तो इस तरीके से ये तीनों भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर कवर हो गई थी, इसीलिए इसका आंसर क्या आ रहा था, आइदर और आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं बी और एल के बीच में फिर से रिलेशन क्या मिला था हमें, कैन नॉट बी डिटरमाइंड मिला था। बी और एल के बीच में रिलेशन क्या मिला था हमें, कैन नॉट बी डिटरमाइंड मिला था। तो बी और एल के बीच में क्या क्या रिलेशन आने चाहिए थे, बी इज ग्रेटर देन एल होना चाहिए था, बी इज इक्वल टू एल होना चाहिए था, एंड बी इज लेस देन इक्वल टू एल होना चाहिए था। बी इज लेस देन एल होना चाहिए था, ग्रेटर देन एल, इक्वल टू एल, लेस देन एल, इतने सारे रिलेशन इसमें कवर होने चाहिए थे। बी इज ग्रेटर देन एल फर्स्ट में आ चुका था तो ये कवर हुआ था, बी इज इक्वल टू एल सेकेंड में यहाँ पर आया है तो ये कवर हुआ है, बी इज लेस देन एल, जरा इसको ऑब्जर्व करो, बी इज लेस देन एल है क्या इसमें, नहीं है। सेकेंड को ऑब्जर्व करो, बी इज लेस देन एल है क्या इसमें, नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन कवर नहीं हुआ है ना, तो ये जो आइदर और की तीसरी कंडीशन थी यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो आइदर और हम मार्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों भी गलत हुए थे, इसीलिए हमने इसका आंसर नाइदर वन नॉर टू मार्क किया था। ठीक है, यहाँ पर आई और के बीच में थोड़ा सा चेक करते हैं, आई के दो कंक्लूजन है, सेम वेरिएबल है, इसका मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। आइदर और की यहाँ पर पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। आई और के बीच में रिलेशन अगर हम देखते हैं तो आई और के बीच में रिलेशन क्या आता है, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। रिलेशन क्या आता है, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू के 100% मैच नहीं मतलब गलत है, 100% मैच नहीं मतलब ये भी गलत है। ठीक है, आइदर और की दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई यहाँ पर। तीसरी, ऑल पॉसिबल रिलेशन कवर होने चाहिए थे यहाँ पर। पॉसिबल क्या क्या है, आई बड़ा भी होना चाहिए था, बराबर भी होना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आई बराबर तो है यहाँ पर इसमें से किसी भी कंक्लूजन में आई बड़ा है के से ये दिखाई देता है क्या हमें, क्या आई इज ग्रेटर देन के ये कंडीशन फोर्थ में कवर हुई है? ठीक है, तो यहाँ पर ये कंडीशन कवर नहीं हुई है, ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। ठीक है, ये पेज अपने आप ही चेंज हो रहा है यहाँ से, ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, ये जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा, डोंट वरी। तो यहाँ पर ये कंडीशन कवर नहीं हुई है, इसीलिए इसमें तीसरी कंडीशन कवर नहीं होती है, तो यहाँ पर इसका आंसर आइदर और नहीं कर सकते हैं, दोनों भी गलत थे, इसीलिए हमें इसका आंसर क्या करना पड़ेगा, नाइदर नॉर करना पड़ेगा। इसीलिए इसका आंसर क्या करना पड़ेगा हमें, नाइदर नॉर, दोनों गलत थे। ठीक है, चलो पांचवा चेक करते हैं, आई एफ। आई एफ, आई और एफ के बीच में रिलेशन क्या है, देखो आई इज ग्रेटर देन एफ। आई और एफ के बीच में रिलेशन क्या है, आई इज ग्रेटर देन एफ। अब आई इज ग्रेटर देन एफ पहले में मैच होता है तो ये क्या है, सही है, पहला कंक्लूजन क्या है, सही है। दूसरा कंक्लूजन देखो क्या दिया है, एफ इज इक्वल टू आई। दूसरा कंक्लूजन हमें क्या दिया है, एफ इज इक्वल टू आई, मैच नहीं होता है मतलब ये क्या है, गलत है। मैच नहीं हुआ मतलब ये क्या है, गलत है। अब देखो, आइदर और की दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई ना यहाँ पर। दूसरी कंडीशन क्या है आइदर और की, कि दोनों गलत होने चाहिए थे, यहाँ पर तो हुए नहीं है। ठीक है, पहला सही था, इसीलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए था, ओनली वन फॉलोज, आइदर और नहीं कर सकते क्योंकि आइदर और की दूसरी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं होती है। ठीक है, तो बस सिंबल देख के नहीं करना है, वही मैं आपको बता रहा हूं। सिक्स्थ कंक्लूजन चेक करते हैं क्या दिया है हमें। सिक्स्थ में बी एफ सेम वेरिएबल है, सिक्स में बी एफ सेम वेरिएबल है, तो यहां पर आइदर और फिर से बन सकता है। ठीक है, बी और एफ के बीच में रिलेशन अगर हम देखते हैं तो क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बी और एफ के बीच में रिलेशन क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है,
कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब ये दोनों भी कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब देखो यहां पर पहले दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, तीसरी कंडीशन सारे पॉसिबल रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड में बी इज ग्रेटर देन एफ भी होना चाहिए, बी इज इक्वल टू एफ भी होना चाहिए एंड बी इज लेस देन एफ ये भी होना चाहिए। ठीक है, यहां पर बी इज ग्रेटर देन एफ है, लेस देन एफ है, पर ये कंडीशन कवर नहीं हुई है, पहली थी तीसरी थी ये नहीं थी। ठीक है ना, बी इज इक्वल टू एफ यहां पर कहीं कवर हुआ है क्या? नहीं, मतलब इसमें भी तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था? नाइदर नॉर। इसका आंसर क्या होना चाहिए था? नाइदर नॉर, क्योंकि दोनों गलत हुए हैं। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, सातवां कंक्लूजन देखते हैं। सातवां कंक्लूजन, सी एल और एल सी, सी और एल के बीच में हमें रिलेशन चाहिए। ठीक है, सी और एल के बीच में रिलेशन क्या है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सी और एल के बीच में रिलेशन क्या है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये दोनों भी कंक्लूजन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर पहले दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, एंटिटीज भी सेम थी और क्या था कि दोनों भी कंक्लूजन गलत हुए हैं। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या चेक करना है? सारी पॉसिबिलिटीज, सी इज ग्रेटर देन एल, सी इज इक्वल टू एल एंड सी इज लेस देन एल, कैन नॉट बी डिटरमाइंड में ये तीन रिलेशन आने चाहिए थे। सी इज ग्रेटर देन एल पहले कंक्लूजन में आ चुका है, ठीक है, सी इज इक्वल टू एल सेकेंड कंक्लूजन में आ चुका है, सी इज लेस देन एल यहां पर सेकेंड कंक्लूजन में आ चुका है, सी इज लेस देन एल सेकेंड कंक्लूजन में आ चुका है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर भी सारी पॉसिबिलिटीज कवर हुई है, आइदर और की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, इसीलिए इसका आंसर क्या आना चाहिए? आइदर और। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो मैं यहां पर कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ आइदर और के, इनको मैं मिटा देता हूँ। पहले मैं यहाँ पे स्टेटमेंट फिर से लिखता हूँ जो भी हमने लिया था। ठीक है, इसके ऊपर मैं आपको कंक्लूजन देता हूँ, वो कंक्लूजन चेक करो। पहला कंक्लूजन है बी इज लेस देन डी एंड दूसरा कंक्लूजन है सी इज इक्वल टू ई। चलो इसका आंसर क्या होगा, सब लोग बताओ जल्दी से। ध्यान से सुनना, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ शुरुआत से, ध्यान से सुनो। बी और डी के बीच में रिलेशन चाहिए, बी और डी के बीच में रिलेशन क्या मिलता है हमें यहाँ पर? बी इज लेस देन इक्वल टू डी। क्या मिलता है रिलेशन हमें यहाँ पर? बी इज लेस देन इक्वल टू डी। ठीक है, तो बी इज लेस देन इक्वल टू डी क्या होगा? गलत होना चाहिए था। ओके, सेकेंड कंक्लूजन चेक करो और बताओ क्या होगा। सी और ई के बीच में रिलेशन चाहिए था, सी और ई के बीच में रिलेशन क्या मिलेगा हमें? सी इज लेस देन इक्वल टू ई। ये भी कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पर ध्यान से सुनो, इसका आंसर नाइदर नॉर नहीं है, इसका आंसर जो है वो आइदर और सही है। अब इसमें आइदर और क्यों नहीं आया? क्योंकि आइदर और की एक कंडीशन क्या होती है कि दोनों में वेरिएबल सेम होने चाहिए। दोनों भी कंक्लूजन में क्या होने चाहिए? वेरिएबल सेम होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर वेरिएबल तो सेम नहीं है, फिर आपको हो गया इधर और कैसे आ गया। ठीक है, पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या दिया है हमें? बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, अगर बी और सी बराबर है तो यहाँ पर जो सी है इसको मैं बी लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी और सी को, अगर हम सी को बी लिख रहे हैं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। यहाँ पर क्या दिया है? D is equal to E, है ना? D is equal to E है, तो E को अगर हम D लिखते हैं तो भी कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके वजह से हम ये जो सेकेंड कंक्लूजन था इसको ऐसे भी लिख सकते थे, B is equal to D। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में हमें दिया था B is equal to C, B और C बराबर है तो C और B आपस में रिप्लेस किए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो तो यहां पर अब ये कंक्लूजन में थोड़ा सा चेक करो, बी और डी वेरिएबल सेम आ चुके हैं, है ना। बी और डी यहां पर वेरिएबल सेम आ चुके हैं, दो कंक्लूजन सेम वेरिएबल, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है आइदर और की। ये दोनों के दोनों भी क्या हुए हैं? गलत हुए हैं। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, सारे पॉसिबल रिलेशन कवर होते हैं या नहीं चेक करते हैं। सारे पॉसिबल रिलेशन में हमें क्या चाहिए था? बी इज लेस देन डी आना चाहिए था एंड बी इज इक्वल टू डी ये भी आना चाहिए था। ठीक है, अब यहां पर बी इज लेस देन डी एंड बी इज इक्वल टू डी, ये दोनों के दोनों भी यहां पर कवर हुए हैं कि नहीं चेक करो। बी इज लेस देन डी पहले में कवर हो चुका है, बी इज इक्वल टू डी दूसरे में कवर हो चुका है, तो यहां पर आइदर और की तीनों कंडीशन। हेलो ऑफिसर्स,
अड्डा अल्टीमेट में आप सबका स्वागत है। आज हम जुड़े हुए हैं अल्टीमेट के पहले सेशन में। तो यहाँ पर अल्टीमेट क्या है, हमारा टारगेट क्या है, आने वाले दिनों में हमारा बेस्ट टाइम यूटिलाइज करके हमें अपना सिलेक्शन एंश्योर कैसे करना है, ये हमें देखना है यहाँ पर। तो अल्टीमेट का टारगेट बेसिकली क्या है और आने वाले टाइम में हम इसको कैसे प्रिपेयर करने वाले हैं, सबसे पहले इसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं एंड उसके बाद हम हमारा चैप्टर्स वन बाय वन कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले मैं अल्टीमेट का थोड़ा सा अल्टीमेट के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि हम कैसे फॉलो करने वाले हैं ये पूरा कोर्स, जो क्योंकि आज ये अल्टीमेट का पहले दिन का पहला सेशन है। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर, हर सब्जेक्ट की क्लासेस होगी। अब देखो, अब हम बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी फॉर आईबीपीएस, आरआरबी, पीयू एंड क्लर्क, कौन सी एग्जाम से रिलेटेड, 2019। ठीक है, अब देखो, कोई भी एग्जाम के लिए, क्या बोल रहा हूं मैं ध्यान से सुनो, कोई भी एग्जाम के लिए अगर हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चालू करते हैं तो हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। क्या? एक तो उसका सिलेबस क्या है, ठीक है, एंड प्लस उस सिलेबस के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम रीजनिंग का यहां पर सिलेबस डिस्कस करेंगे एंड फिर उसके थोड़े से फॉर्मेट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो सिलेबस के बारे में बात करते हैं। रीजनिंग का हमारा पहला चैप्टर है टेस्ट। रीजनिंग में चैप्टर्स की लिस्ट पहले बना लेते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स है। टेस्ट ऑन अल्फाबेट चैप्टर है, इसके बाद हमारे पास सारा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। पहले कोडिंग डिकोडिंग है, उसके बाद ब्लड रिलेशंस है, उसके बाद डायरेक्शन डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है इनइक्वालिटी, इसके पास बाद है हमारे पास ब्लड रिलेशन, इसके बाद सिलॉजिज्म, सिलॉजिज्म के बाद रीजनिंग में चैप्टर है इनपुट आउटपुट, उसके बाद रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है पजल्स, इसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग एंड डेटा सफिशिएंसी। इतने सारे चैप्टर्स हमें देखने हैं। अब देखो, ये जो सिलेबस है हमारा, ये प्री का भी यही सिलेबस है एंड मेंस का भी यही सिलेबस है, ठीक है। प्री का भी यही सिलेबस है, मेंस का भी यही सिलेबस है। ओके, अब देखो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं आपको, ये जो टॉपिक्स है प्री में भी यही पूछे जाएंगे, मेंस में भी यही पूछे जाएंगे। तो डिफरेंस क्या रहेगा प्री और मेंस में, क्या आप बता सकते हो मुझे? सिलेबस तो वही है हमारा, प्री का भी सिलेबस वही है एंड मेंस का भी सिलेबस वही है, चैप्टर्स के नाम वही है, सारी चीजें वही है, ठीक है। लेवल, डिफिकल्टी लेवल चेंज होगा, मतलब क्या होगा जरा बताओ मुझे? क्वेश्चन लेवल का डिफरेंस मतलब एग्जैक्टली क्या, लेवल का डिफरेंस माने एग्जैक्टली क्या, ठीक है। लेवल का डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन का लेवल सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। ओनली टू थिंग्स डिसाइड द लेवल ऑफ क्वेश्चन एंड वो ये है कि इंफॉर्मेशन देने का तरीका, ठीक है, इंफॉर्मेशन देने का तरीका, इंफॉर्मेशन किस पैटर्न में दी है और इंफॉर्मेशन कितने क्वांटिटी में दी है, ठीक है। यही दो चीजें हैं जो क्वेश्चन का लेवल डिसाइड करते हैं, ठीक है। अगर मैं सारी इंफॉर्मेशन, एकदम सारी की सारी इंफॉर्मेशन एकदम क्लियर वे में आपको रिप्रेजेंट करता हूं तो वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, हर टॉपिक का बेसिक डिस्कशन हम यहां पे करने वाले हैं, ठीक है। अगर यही इंफॉर्मेशन मैं आपको ट्विस्टेड फॉर्मेट में दे दूं, ठीक है, अगर यही इंफॉर्मेशन मैं आपको ट्विस्टेड फॉर्मेट में दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, यही क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग जाएगा। कंसेप्ट वही है, यहां पर सारे टॉपिक्स के हम बेसिक कंसेप्ट सीखने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर हर टॉपिक के बेसिक टू एडवांस, मतलब जितना भी एग्जाम्स लेवल पर आता है उतने सारे कंसेप्ट्स यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं एक सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूं। सबसे पहले आप लोग मुझे वो सवाल का आंसर करेंगे एंड देन हम आगे बढ़ेंगे। ओके, सवाल है आप सबके लिए, आपका सवाल है, कैन यू नेम अ कलर विच डज नॉट हैव ई इन इट, ठीक है। क्वेश्चन क्या था आपका, कैन यू नेम अ कलर विच डज नॉट हैव ई इन इट, क्वेश्चन क्या था आपका, कैन यू। अगर मैं इसको हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेट करता हूं तो इसका मतलब कैसे निकल कर आता है, क्या आप उस कलर का नाम बता सकते हो जिसमें ई नहीं है। क्वेश्चन क्या था, क्या आप बता सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर या तो सिर्फ यस होना चाहिए था या फिर नो होना चाहिए था।
अब देखो, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है, जो कि पहले सेशन में अगर हम समझते हैं, वो अगर हमारा क्लियर होता है तो आगे चल के हमें ज्यादा परेशानी नहीं होती है। पॉइंट हमें जो यहां पर समझना था वो ये था, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है एंड अंडरस्टैंड इट थरोली, ठीक है? क्या करना है हमें, क्वेश्चन को एकदम अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और उसको अच्छे से समझना है। अंडरस्टैंडिंग जो है, जिसको कि हम कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, ठीक है, ये बहुत मेजर रोल मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि देखो, ब्लड रिलेशन में सब रिलेशन हम जानते हैं, ओके? और ये रिलेशन हम जानते हुए भी कुछ क्वेश्चन हमें आसान लगता है, कुछ क्वेश्चन हमें डिफिकल्ट लगते हैं। रीजन, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है? और जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि क्वेश्चन पूछने के तरीके, हम अभी उन चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं जो कि हमें टॉपिक शुरू होने से पहले हमारे पास होनी चाहिए, जिनके ऊपर हमारी कमांड अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? तो कॉम्प्रिहेंशन, क्वेश्चन जो भी हमें दिया जाएगा उसको हमें एकदम अच्छे से समझना है। जब तक क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आता है, तब तक उसका आंसर हम सही सही से सही ढंग से नहीं कर सकते। क्लियर है सबको? तो हमने यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं, क्या कि हमें अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और उसको एकदम क्लियर कट वे में समझना है, ठीक है? तो कॉम्प्रिहेंशन हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, ठीक है? हमने यहां पर सिलेबस डिस्कस किया है एंड एक रिक्वायरमेंट, कॉम्प्रिहेंशन की जो रिक्वायरमेंट है वो देखी है हमने, ओके? अब मैं यहां पर आपको थोड़ा सा पढ़ाई कैसे करना है, ओके? क्योंकि यहां पर हम जो डिस्कशन करेंगे, इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए एफर्ट्स यहां से हम ले रहे हैं, आपके साइड से भी कुछ सिस्टमैटिक वे में एफर्ट्स होने चाहिए। तो वो क्या होने चाहिए, मैं आपको अभी यहां पे बता देता हूं, ठीक है? जैसे कि हम यहां पर आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, आज का टॉपिक है इनइक्वालिटी। आज के सेशन में हम पूरा इनइक्वालिटी डिस्कस करने वाले हैं, ओके? तो यहां पर इनइक्वालिटी के सारे कंसेप्ट्स जो होंगे हम यहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है? प्लस इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो यहां पर कंसेप्ट्स का डिस्कशन होगा और एग्जाम में पूछे जाने वाले हर टाइप के क्वेश्चन पर डिस्कशन होगा, ओके? देन अब यहां पर हमने डिस्कशन तो कर लिया, ओके? इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो ई बुक्स मिले हैं, ठीक है, इससे सवाल सॉल्व करने हैं। यहां पर हमने जो भी कंसेप्ट डिस्कस किए हैं, सबसे पहले वो आपको वो क्लियर करवा लेने हैं, ठीक है? हर एक टॉपिक के लिए आपका यही प्रोसीजर होना चाहिए, ओके? हर एक टॉपिक के लिए आपका यही प्रोसीजर होना चाहिए, कंसेप्ट्स क्लियर करवाने हैं आपको सबसे पहले, एंड उसके बाद आपके पास जो ई बुक्स दिए हैं उसमें से जितने भी हो सके आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ओके? आपने यहां से क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो आपके अकाउंट में जो टेस्ट एक्टिवेट होगा टॉपिक वाइज, वो टेस्ट आपको देना है, ठीक है? आप अगर ये पैटर्न फॉलो करते हैं तो यहां से आपको हर एक टॉपिक का मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है, ठीक है? तो चलो, ज्यादा देर ना लगाते हुए अब हम हमारा पहला टॉपिक चालू करते हैं, जो है इनइक्वालिटीज, ठीक है? इनइक्वालिटीज का सबसे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है? इनइक्वालिटीज के ऊपर एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? और ये टॉपिक जो है ये एकदम आसान होता है। ये 5 क्वेश्चन तो हम करेक्ट करने वाले हैं, नो डाउट, नॉट एन इशू, ठीक है? बट हमारा टारगेट है, क्योंकि ये इजी है, हम इसको कम से कम समय में सॉल्व करेंगे। इसमें टाइम जितना कम हो सकता है उतना कम हमें रखना है, और यही हमारा टारगेट है, और इसी के रिलेटेड हम कुछ यहाँ पर टेक्निक्स डिस्कस करने वाले हैं। इसी से रिलेटेड हम यहाँ पर कुछ टेक्निक्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? अब देखो, यहाँ पर हम इस सेशन में क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर सारे के सारे टाइप्स कवर करने वाले हैं, ठीक है? जो प्रीवियस है एंड लेटेस्ट, लेटेस्ट मतलब जो अभी इस साल पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। अब यहां पर इनइक्वालिटीज में आगे बढ़ने से पहले, जिनको इनइक्वालिटीज का कुछ भी आइडिया नहीं है, मैं तुरंत एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि इनइक्वालिटीज में क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, ठीक है, और उनको हमें टैकल कैसे करना है। ऐसा एक स्टेटमेंट दिया जाएगा हमें,
और उसके ऊपर हमें कुछ कंक्लूजन्स दिए जाएंगे। ठीक है, मान लो यहाँ पर पहला कंक्लूजन दिया है ए इज ग्रेटर देन सी, एंड दूसरा कंक्लूजन हमें दिया है ए इज ग्रेटर देन डी। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज में क्वेश्चन हमें इस फॉर्मेट में पूछे जाएंगे। ठीक है, यहां पर हमें इसका आंसर क्या है ये नहीं जानना है, मैं बस आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था। ठीक है, अब देखो इनइक्वालिटीज में हमें क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में पूछे जाएंगे। स्टेटमेंट अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, यहां पर स्टेटमेंट अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये स्टेटमेंट सारा किस फॉर्मेट में है, कंपैरिजन के फॉर्मेट में। ये सारे सिंबल्स हम जानते हैं, ये सारे सिंबल्स यूज किस लिए करते हैं हम, ये सारे सिंबल्स हम किस लिए यूज करते हैं, कंपैरिजन के लिए। ठीक है, तो यहां पर हमें स्टेटमेंट भी कंपैरिजन के फॉर्मेट में दिया है और कंक्लूजन्स भी कंपैरिजन के फॉर्मेट में दिए। ओके, अब यहां पर हमें ये स्टेटमेंट समझ के बताना होता है कौन सा कंक्लूजन सही है कौन सा कंक्लूजन गलत है। ठीक है, अब यहां पर आप लोग मुझे बताओ कि कोई भी दो वेरिएबल अगर हमारे पास दिए हैं ए एंड बी, ठीक है, यहां पर कोई भी दो वेरिएबल अगर हमारे पास दिए हैं ए एंड बी, तो उनमें कंपैरिजन करने के कितने तरीके होते हैं जरा मुझे बताओ। हमारे पास कोई भी दो वेरिएबल है ए एंड बी, तो इन दो वेरिएबल में हम कितने तरीकों से कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना जरा मेरी बात को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनइक्वालिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमारे पास कोई भी दो वेरिएबल्स है, अगर हमारे पास कोई भी दो वेरिएबल्स है, तो उनमें हम सिर्फ और सिर्फ तीन तरीकों से कंपैरिजन कर सकते हैं। कितने तरीकों से कंपैरिजन कर सकते हैं हम, सिर्फ और सिर्फ तीन तरीके होते हैं कोई भी दो वेरिएबल में कंपैरिजन करने के। तीन तरीके कौन से हैं, पहला है ग्रेटर देन, दूसरा है इक्वल टू, तीसरा है लेस देन। ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड लेस देन, यही बेसिकली तीन तरीके होते हैं जिनसे हम कोई भी दो वेरिएबल में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, पर थोड़ा सा ध्यान देना यहां पर, ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन है ये बना कैसे है, अगर हम ग्रेटर देन को और इक्वल टू को कंबाइन करते हैं तो ये साइन बनता है। इसका मतलब यहां पर ये जो साइन है ये कुछ अलग साइन है क्या, नहीं। ठीक है, ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन है ये कैसे मिला है हमें, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू को कंबाइन करके। पढ़ते भी कैसे है हम इसको, ए इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू बी। पढ़ते कैसे हम इसको, ए इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू बी। ठीक है, वैसे ही ये लेस देन इक्वल टू साइन कैसे मिलता है हमें, इन दोनों को कंबाइन करके। ओके, अब देखो ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी का मतलब क्या होता है, ए बी से बड़ा होगा या फिर ए जो है बी से छोटा होगा। सिमिलरली ए इज लेस देन इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या होगा, ए इज लेस देन बी और ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो क्योंकि कोई भी दो वेरिएबल में कंपैरिजन करने के ये तीन ही बेसिक तरीके होते हैं, हम हमारे कन्वीनियंट के लिए इन्हें नाम देंगे बेसिक कंपैरिजंस। ठीक है, हम हमारे कन्वीनियंस के लिए इसके इसको नाम क्या देंगे, बेसिक कंपैरिजंस। ये ऊपर के जो दो साइंस है ये हमें कैसे मिले हैं, इनके कॉम्बिनेशन से मिले हैं। ठीक है, तो हम इनको क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन साइंस। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर हमें दिया है ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या होता है जरा ध्यान से समझो। हमें पता है कि ए और बी में कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास सिर्फ ये दो तरीके हैं। ठीक है, ये तीन तरीके हैं, इसमें से ये वाला एक्सप्रेशन क्या कहता है, ए और बी के बीच में जो है ये इक्वल टू वाला साइन नहीं आ सकता। ठीक है, ए और बी के बीच में अगर ये इक्वल टू वाला नहीं आ सकता तो कौन कौन से आ सकते हैं, या तो ग्रेटर देन आ सकता है या फिर लेस देन आ सकता है। तो इसका मतलब है या तो ए बी से बड़ा हो सकता है या फिर जो है ए बी से छोटा हो सकता है। ठीक है, आइदर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी, यही मतलब होता है इसका। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके लिए, आपके स्क्रीन पर जितने भी सिंबल है क्या इन सब के सिंबल के अलावा कोई और सिंबल बन सकता है, यहां पर इन सब सिंबल के अलावा क्या यहां पर कोई सिंबल बन सकता है। ओके, अब देखो यहां पर
थोड़ा सा लॉजिकली डेवलप आप हमारी थिंकिंग डेवलप करनी है, यहाँ पर हमें थोड़ी सी लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करनी है। हमने क्या किया था, ग्रेटर देन को और इक्वल टू को कंबाइन किया था, ग्रेटर देन को और इक्वल टू को कंबाइन किया था। ओके अब हमने पहले दोनों को कंबाइन किया, आखिरी दोनों को कंबाइन किया, तो क्या उसी तरीके से इन दोनों को कंबाइन करना पॉसिबल था? बिल्कुल था। अगर इन दोनों को कंबाइन करते थे तो सिंबल क्या मिलता था, आइदर ग्रेटर और लेस दैन। अगर थोड़ा सा ध्यान से अगर हम देखते हैं तो यहां पर हम कह सकते थे ना, ए इज आइदर ग्रेटर और लेस दैन बी, ए इज आइदर ग्रेटर और लेस दैन बी, इसी का तो मतलब था ना। यहां पर देखो, ए शायद बड़ा हो सकता था या फिर छोटा हो सकता था, मतलब आइदर ग्रेटर और लेस दैन बी। ओके इनका कॉम्बिनेशन, तो यहां पर तीन कॉम्बिनेशन साइंस पॉसिबल थे जो हमने यहां पर देख लिए। ठीक है, अब देखो यहां पर कोई और सिंबल पॉसिबल है क्या, थोड़ा सा सोचो। यहां पर हमने इसका नेगेटिव किया था, यहां पर हमने इसका नेगेटिव किया था, तो सिमिलरली पहले वाले और यहां पर इसका भी नेगेटिव पॉसिबल है ना। यहां पर हमें इन दोनों का भी नेगेटिव करना पॉसिबल है ना, ये हमें दिमाग में आना चाहिए है ना। यहां पर जैसे जैसे हम क्वेश्चन कंसेप्ट सीख रहे हैं तो उससे जुड़ी हुई सारी चीजें, सोचने की एबिलिटी हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखो, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, पढ़ेंगे कैसे हम इसको, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, मतलब क्या, वो बी से बड़ा नहीं है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा, अगर ए और बी के बीच में यहां पर ग्रेटर देन वाला साइन नहीं आ सकता है, ए और बी के बीच में यहां पर ग्रेटर देन वाला साइन नहीं आ सकता है, तो कौन कौन से साइन आ सकते हैं, जो दो बचे हैं वो आ जाएंगे। तो यहां पर साइन क्या आ जाएगा, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, क्या आ सकता है, ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। ओके अब देखो यहां पर इसका मतलब पढ़ेंगे कैसे हम इसको, ए इज नॉट लेस देन बी, पढ़ेंगे कैसे हम इसको, ए इज नॉट लेस देन। नॉट लेस देन का मतलब अगर ए और बी के बीच में लेस देन वाला साइन नहीं आता है तो कौन कौन से साइन आ सकते हैं, या तो ग्रेटर आ सकता है या फिर इक्वल आ सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू बी। एक बात याद रखना, हम यहां पर कौन से सिंबल देख रहे हैं, नेगेटिव सिंबल देख रहे हैं, हम यहां पर कौन से सिंबल देख रहे हैं, नेगेटिव सिंबल्स देख रहे हैं। ठीक है, जिस किसी भी सिंबल के ऊपर, तो यहां पर जो भी ये नेगेटिव सिंबल है, जिस किसी भी सिंबल के ऊपर नेगेटिव वाला साइन लगता है, वो सिंबल छोड़कर उनके बीच में बाकी सारे सिंबल्स आ सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, नॉट लेस देन बी, नॉट लेस देन बी का मतलब क्या है, आइदर ग्रेटर और इक्वल। ठीक है, वैसे ही हम इन तीनों के नेगेटिव साइंस बना सकते थे, नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, Neither greater nor less than and neither less nor equal. ठीक है, इन सब के negative signs क्या बनाए हमने, A is neither greater nor equal to B. ठीक है, अब यहां पर ये जो expression है, ये जो तीन symbol देखे हैं हमने, उसका मतलब समझते हैं पहले। A is neither greater nor equal to B, यहां पर क्या कहा है, वो greater भी नहीं है and equal भी नहीं है, मतलब greater नहीं equal नहीं, तो बचा symbol कौन सा, less than B. ठीक है, बचा सिंबल कौन सा, ए इज लेस देन बी। यहां पर ये वाले सिंबल का मतलब देखते हैं, क्या दिया है ये, ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर लेस देन बी, पढ़ेंगे कैसे ये, ए जो है वो बी से बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है। ठीक है, बड़ा भी नहीं छोटा भी नहीं, मतलब कौन सा सिंबल आ सकता है यहां पर, बस इक्वल टू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता, ए इज इक्वल टू बी। ओके अब यहां पर लास्ट वाले सिंबल का मतलब देखते हैं हम, इसका मतलब क्या है, ए इज नाइदर लेस नॉर इक्वल टू बी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, लेस देन भी नहीं आएगा, इक्वल भी नहीं आएगा, तो क्या आना चाहिए यहां पर, ग्रेटर देन आना चाहिए, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, इनके अलावा और कोई भी सिंबल बनना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमने अब तक क्या देखा, ये जो हमारे पास तीन सिंबल्स है, ये बेसिक कंपेरिजन है,
ठीक है, और इन तीनों से क्या क्या कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है कंपैरिजन का, ये अभी हमने यहां पर डिस्कस किया है। अब देखो यहां पर हमें सब सिंबल, यहां पर ए और बी के बीच में हमें क्या है, हर जगह पर कुछ ना कुछ रिलेशन पता है, हर जगह पर हमें यहां पर कुछ ना कुछ रिलेशन पता है। इन केस ए और बी का, ए और बी के बीच में अगर हमें कोई भी रिलेशन पता नहीं है, अगर ए और बी के बीच का रिलेशन हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, अगर ए और बी के बीच में हम यहाँ पर कुछ भी रिलेशन कंफर्म डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। ऊपर हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया है, ए और बी के बीच में कोई रिलेशन अगर हमें कंफर्म दिया गया है तो उसका मतलब क्या होगा। पर इन केस ए और बी के बीच में अगर हमें कोई रिलेशन ही पता नहीं होगा, ए और बी के बीच में अगर हमें कोई भी रिलेशन पता नहीं होगा, तो इसमें क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। ए बी से बड़ा हो सकता है, या फिर ए बी के बराबर हो सकता है, या फिर ए बी से छोटा हो सकता है। ठीक है, अगर ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, अभी मैंने यहां पर आपके सामने जो भी मतलब डिस्कस किए हैं, वो सारे के सारे मतलब हमें सही गलत करने में और आइदर और में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। आइदर और में जो मैक्सिमम लोगों का कंफ्यूजन रहता है वो क्लियर हो जाएगा अगर ये सारे की सारी चीजें उनको क्लियर है। ओके, तो यहां पर ए और बी के बीच में अगर हम कोई भी रिलेशन डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके बीच में क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। उनके बीच में तीन रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं, ए बी से बड़ा हो सकता है, बराबर हो सकता है, या फिर छोटा हो सकता है। ओके, चलो यहां पर एक करेक्शन था, यहां पर इक्वल टू वाला सिंबल होना चाहिए था। ठीक है, क्लियर है सबको जी, आपके आने वाले आरआरबी के सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, अगर आप देख रहे हो तो अब तक आपने ये सिंबल शायद नहीं देखे होंगे, ये सिंबल्स आपके लिए, इनमें से ये छोड़कर शायद सारे सिंबल आपके लिए नए हैं। ठीक है, तो हम जीरो से लेकर एडवांस लेवल सारा का सारा कवर करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, डोंट वरी। चलो अब देखो यहाँ पर, अब एक छोटी सी कहानी सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे, जिनको प्रायोरिटीज वगैरह कुछ भी नहीं पता है। एक छोटा सा घर है, उस घर की कहानी है। इस घर में कौन कौन रहता है, देखो इस घर में रहता है एक चाइल्ड, ठीक है, इस घर में दो फैमिलीज हैं, ये है घर की पहली फैमिली और ये है घर की दूसरी फैमिली। चाइल्ड यहाँ पर रहता है एक फादर, यहाँ पर रहते हैं एक फादर, ठीक है, इस घर में यहाँ पर रहते हैं एक ग्रैंडफादर और इस घर में यहाँ पर, इस फैमिली में रहते हैं यहाँ पर एक ग्रैंडफादर। तो ये जो चाइल्ड है इसको हम इक्वल टू वाला साइन कहेंगे, ये जो चाइल्ड है ये हमने अभी जो सिंबल देखे हैं उसी सिंबल्स को हम यहाँ पे प्लेस करने वाले हैं। ये फादर जो है वो है ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे जो फादर है वो है लेस देन इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे जो ग्रैंडफादर है वो है ग्रेटर देन एंड यहाँ पे जो ग्रैंडफादर है वो है लेस देन, ठीक है। तो फैमिली मेंबर आपको क्लियर हुए हैं, ठीक है, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड लेस देन। ओके, यहां पर इन फैमिली सिंबल्स, ये जो मेंबर्स देखे हैं इनका मतलब क्या है। देखो किसी फैमिली में अगर चाइल्ड और फादर प्रेजेंट रहते हैं तो उस फैमिली में चलेगी किसकी, ऑब्वियसली फादर की चलेगी, है ना। किसी फैमिली में फादर और ग्रैंडफादर प्रेजेंट रहे तो उस फैमिली में चलेगी किसकी, ग्रैंडफादर की चलेगी, है ना। अगर किसी फैमिली में चाइल्ड, फादर एंड ग्रैंडफादर सभी लोग प्रेजेंट रहते हैं तो उस फैमिली में चलेगी किसकी, ऑब्वियसली ग्रैंडफादर की चलेगी, ठीक है। तो यहां पर अब ये हमने थोड़ी सी प्रायोरिटी देखी है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है और इसके इम्प्लीमेंटेशन से हमें क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं हम देख लेते हैं। अगर हमें एक्सप्रेशन दिया है ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमें दिया है और यहां से हमें पूछा है ए और सी के बीच में क्या रिलेशन आएगा। ओके, अब ए और सी के बीच में क्या रिलेशन आएगा ये हमें बताना है। तो ए से लेकर सी तक जाते हैं तो यहाँ पर कौन कौन से सिंबल आते हैं, एक तो आता है ये जिसको हम क्या कहते हैं फादर एंड दूसरा आता है इक्वल टू वाला जिसको हम क्या कहते हैं चाइल्ड, ठीक है। तो फादर और चाइल्ड में चलेगी किसकी ज्यादा, ऑब्वियसली फादर की। ए और सी के बीच में जो रिलेशन आएगा वो कौन सा होगा, ऑब्वियसली फादर वाला होगा, ठीक है। ए और सी के बीच में जो रिलेशन आएगा वो कौन सा होगा, फादर वाला होगा। फादर कौन होगा इसमें से, तो ये फेस जिसकी तरफ खुल रहा है, ये फेस जिसकी तरफ खुल रहा है
वो फादर होना चाहिए था, तो ए और सी के बीच में रिलेशन क्या आएगा, ए इज ग्रेटर दैन इक्वल टू सी। ओके, अब देखो दूसरा, अगर हमें एक्सप्रेशन दिया है ए इज ग्रेटर दैन बी, ए इज ग्रेटर दैन बी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी, ये एक्सप्रेशन हमें दिया है और यहां से हमें रिलेशन पूछा है कि बी और डी के बीच में रिलेशन क्या आएगा। ठीक है, अब बी से लेकर डी तक जाना है हमें। ठीक है, रिलेशन निकालने के लिए हमें क्या करना है, जिन दोनों में रिलेशन चाहिए उनके बीच में कौन कौन से सिंबल आए हैं, सिर्फ उसके ऊपर ध्यान देना है। कौन कौन से सिंबल आया है इसमें, ये आया है कौन सा, फादर वाला, एंड ये आया है चाइल्ड वाला। तो फादर और चाइल्ड में प्रायोरिटी ज्यादा किसकी, फादर की। ये फादर मुंह किसकी तरफ खुल रहा है, बी की तरफ, तो यहां पर रिलेशन क्या मिलेगा, बी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू डी। यहां से हमें ए और सी के बीच में रिलेशन निकालना है, तो यहां पर ए और सी के बीच में रिलेशन क्या होगा, यहां पर देखो ए और सी के बीच में कौन कौन से सिंबल मिलते हैं, ग्रैंडफादर मिलते हैं एंड यहां पर फादर मिलते हैं। ठीक है, तो यहां पर ए इज ग्रेटर देन सी रिलेशन आएगा। ए और डी के बीच में अगर रिलेशन पूछा जाता है तो ग्रैंडफादर, फादर एंड चाइल्ड, इनमें से सबसे ज्यादा चलेगी किसकी, ग्रैंडफादर की, तो यहां पर ए और डी के बीच में रिलेशन क्या आएगा, ए इज ग्रेटर देन डी। ठीक है, एक आखिरी एक्सप्रेशन देखते हैं एंड फिर इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक एक्सप्रेशन दिया है हमें, ए इज ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी इज लेस देन इक्वल टू डी इज लेस देन ई। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा चेंज करते हैं इस एक्सप्रेशन को। सी इज इक्वल टू डी इज लेस देन इक्वल टू ई एंड इज लेस देन एफ। ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ वेरिएबल्स बताऊंगा, अब मैं आपको सिर्फ वेरिएबल्स बताऊंगा, उनके बीच में आपको रिलेशन जल्दी से बताना है और सबको बताना है। सी और ई के बीच में रिलेशन बताओ, सी और एफ के बीच में रिलेशन बताओ। ठीक है, एंड इसके बाद ई और सी के, ये हो गया, एंड इसके बाद डी और एफ के बीच में रिलेशन बताओ, क्या क्या रिलेशंस मिलेंगे, जल्दी बताओ। सी और ई के बीच में रिलेशन, सी से ई तक जाते हैं यहां पर इक्वल टू एंड यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, मतलब चाइल्ड एंड फादर, चाइल्ड और फादर में प्रायोरिटी ज्यादा किसकी, फादर की, तो ये रिलेशन क्या आ जाएगा, ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। इसको आप ऐसे लिखो या फिर सी इज लेस देन इक्वल टू ई ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब तो सेम है, मतलब तो सेम है। ठीक है, सी और एफ के बीच में रिलेशन देखते हैं, यहाँ पर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एंड लेस देन। ठीक है, इसमें प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, लेस देन की होगी। ठीक है, सबसे कम प्रायोरिटी, उससे थोड़ी ज्यादा प्रायोरिटी एंड सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, तो एफ इज ग्रेटर देन सी ऐसा लिखो या फिर सी इज लेस देन एफ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डी और एफ के बीच में रिलेशन चाहिए था, डी और एफ के बीच में रिलेशन क्या आएगा, एफ इज ग्रेटर देन डी या फिर डी इज लेस देन एफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहां पर अब आखिरी कुछ चीज है, ए और ई के बीच में रिलेशन क्या आएगा, सब लोग बताओ। तो ए से लेकर अगर ई तक जाते हैं तो यहां पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू, ये दोनों भी हमें अलग फैमिली से मेंबर मिले हैं, ये दोनों भी क्या हुए हैं, हमें अलग फैमिली से मेंबर मिले हैं। अगर हमारे रास्ते में अलग अलग फैमिली से मेंबर आते हैं तो इसका मतलब क्या निकलता है कि ए और ई के बीच में हम रिलेशन डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, रिलेशन क्या आना चाहिए था, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कैन नॉट बी डिटरमाइंड का मतलब क्या, वो ग्रेटर हो सकता है, लेस हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड का मतलब वो बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है या फिर छोटा भी हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली ए और एफ के बीच में रिलेशन क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि बीच में अपोजिट फैमिली मेंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, बी और एफ के बीच में क्या रिलेशन आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, अब तक हमने क्या देखा है, इससे पहले हमने सारे सिंबल के मीनिंग डिस्कस किए हैं एंड हमने यहां पर उनकी प्रायोरिटीज डिस्कस की है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना सब लोग। अब आते हैं हम सवाल पर। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, यहां पर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, स्टेटमेंट हमें दिया है पी इज ग्रेटर देन क्यू इज ग्रेटर देन आर is greater than equal to s is greater than equal to t is less than equal to
यू इज लेस देन वी इज लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन वाई इज इक्वल टू सेट। ठीक है, एक स्टेटमेंट हमें दिया है, ठीक है, ये स्टेटमेंट हमें दिया है और इसके ऊपर हमें कंक्लूजन पूछे गए हैं। पहला कंक्लूजन हमें पूछा है t इज लेस देन p, पहला कंक्लूजन हमें क्या पूछा है t इज लेस देन p, एंड दूसरा कंक्लूजन हमें पूछा है r इज ग्रेटर देन t। ठीक है, एग्जाम में हमें ऐसा स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसके ऊपर कंक्लूजन, हमें आंसर कैसे करना होता है, ओनली वन फॉलोज या फिर ओनली टू फॉलोज, आइदर वन और टू फॉलोज, ठीक है, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज या फिर बोथ वन एंड टू फॉलोज। ठीक है, इस फॉर्मेट में हमें ऑप्शन करना आंसर करना होता है। अब इसमें से अगर सिर्फ पहला कंक्लूजन सही हुआ तो ओनली वन फॉलोज, सिर्फ दूसरा कंक्लूजन सही हुआ तो ओनली टू फॉलोज। ठीक है, अगर दोनों गलत हुए तो नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, अगर दोनों के दोनों सही हुए यहां पर तो बोथ वन एंड टू फॉलोज, ऐसे हमें आंसर मार्क करने होते हैं। ठीक है, अब देखो आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, ये तो शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पहले से आता है। ओके, अब देखो यहां पर सारी बेसिक से लेकर एडवांस तक हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसी भी चीजें आएंगी इसमें जो आपको पता नहीं हो। ठीक है, तो यहां पर थोड़े से ध्यान दो सब लोग, क्या करना है देखो, सबसे पहले कंक्लूजन पढ़ना है हमें, सबसे पहले क्या करना है हमें, कंक्लूजन पढ़ना है। कंक्लूजन में वेरिएबल कौन से दिए थे, टी एंड पी, कंक्लूजन में वेरिएबल कौन से दिए थे, टी एंड पी, तो इन दोनों के बीच में स्टेटमेंट से हमें सबसे पहले रिलेशन पता करना है। स्टेटमेंट से अगर हम पी और टी के बीच में रिलेशन पता करने की कोशिश करते हैं तो इन सब में प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसकी है, ग्रेटर देन की, तो पी और टी के बीच में रिलेशन क्या आएगा, पी इज ग्रेटर देन टी। ठीक है, पी और टी के बीच में रिलेशन क्या मिलेगा हमें, पी इज ग्रेटर देन टी। ये आइदर और वाला जो है इसके ऊपर अभी थोड़ा सा ध्यान मत दो, ये आइदर और हम इसके बाद कवर करेंगे। ठीक है, फिलहाल ये चार क्या है इसको क्लियर करते हैं एंड फिर आइदर और की तरफ बढ़ते हैं। सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी, सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। ठीक है, सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप डिफिकल्टी लेवल वाइज हम आगे बढ़ते चलेंगे, सो डोंट वरी, सारी चीजें आपकी एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जो रिलेशन हमें मिला है, जो रिलेशन हमें मिला है और जो रिलेशन हमें चेक करने के लिए दिया था, क्या ये दोनों रिलेशन 100% मैच होते हैं, मैं मतलब की बात कर रहा हूं। यहां पर ये रिलेशन कहता है P इज ग्रैंडफादर ऑफ T, एंड यहां पर भी ये रिलेशन कहता है P इज ग्रैंडफादर ऑफ T, तो मतलब के हिसाब से ये दोनों भी 100% मैच हो रहे हैं। ठीक है, 100% मैच होते हैं, मतलब ये पहला कंक्लूजन क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, R एंड T के बीच में रिलेशन देखते हैं, R एंड T के बीच में रिलेशन क्या दिया है हमें, R इज ग्रेटर देन इक्वल टू T, यहां से हमें रिलेशन क्या मिलता है R एंड T के बीच में, R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू T। अब जो रिलेशन हमें मिला है और जो रिलेशन हमें चेक करने के लिए कहा था, क्या ये दोनों 100% मैच हो रहे हैं, नहीं, क्योंकि यहां पर ये क्या कह रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहां पर ये क्या कह रहा है, सिर्फ ग्रेटर दैन, यहां पर ये क्या कह रहा है, सिर्फ ग्रेटर दैन, 100% मैच नहीं हुआ, मतलब ये क्या होना चाहिए था, गलत होना चाहिए था। ठीक है, तो इसमें सिर्फ पहला कंक्लूजन सही हुआ है, तो इन ऑप्शन में से हमें क्या मार्क करना चाहिए, ओनली वन फॉलोज, इसमें से हमें क्या मार्क करना चाहिए, ओनली वन फॉलोज। कंक्लूजन सही कब होता है, जब स्टेटमेंट से हमें उनके बीच में जो रिलेशन मिलता है वह एग्जैक्टली उसी मतलब का एक्सप्रेशन हमें कंक्लूजन में अगर मिला, 100% मैच हुआ तो ही वो सही होगा। चलो यहां पर दूसरा कंक्लूजन देता हूं मैं आपको, अब यहां पर मैं कुछ कंक्लूजन लिखता हूं, वो सबके आंसर आपको चेक करने हैं। ठीक है, ये दूसरा कंक्लूजन का सेट है और आपको बताना है कि ऑप्शन कौन सा होगा इनमें से, पी इज ग्रेटर देन यू एंड यहां पर z इज लेस देन x, तीसरा हमें यहां पर दिया है, पहला कंक्लूजन है इसमें r इज ग्रेटर देन इक्वल टू v एंड दूसरा कंक्लूजन है x इज लेस देन और इक्वल टू u। ठीक है, चौथा कंक्लूजन हमें यहां पर दिया है, चौथा कंक्लूजन हमें यहां पर दिया है v इज ग्रेटर w इज ग्रेटर देन t
एंड डब्ल्यू जेड इज लेस देन डब्ल्यू। पांचवा कंक्लूजन में हमें दिया है। अब देखो, ये बेसिक सवाल था और ये थोड़ा सा एडवांस सवाल था। बेसिक क्वेश्चन में हमने जो मेथड अप्लाई की है एग्जैक्टली उसी मेथड से हम एडवांस क्वेश्चन भी टैकल करने वाले हैं। रीजनिंग में हमारा अप्रोच यही होगा कि जो मेथड हम बेसिक में अप्लाई करेंगे उसी मेथड से हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो मेथड से हम बेसिक सॉल्व करते हैं उसी मेथड से हमें एडवांस क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। पी और यू के बीच में रिलेशन चाहिए था, पी और यू के बीच में रिलेशन क्या आएगा यहां पर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। पी और यू के बीच में रिलेशन क्या आ जाएगा यहां पर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो यहां पर मैच नहीं होगा 100%, मतलब पहला कंक्लूजन गलत हो गया। 100% मैच नहीं हुआ मतलब पहला कंक्लूजन गलत नहीं हुआ। ठीक है, दूसरे कंक्लूजन के लिए हमें किन दो वेरिएबल में रिलेशन चाहिए, एक्स और जेड में। एक्स और जेड में अगर हम रिलेशन चेक करते हैं तो रिलेशन क्या मिलेगा हमें, एक्स इज ग्रेटर देन जेड। स्टेटमेंट से रिलेशन क्या मिलता है हमें, एक्स इज ग्रेटर देन जेड। तो जो रिलेशन हमें मिला है और जो चेक करना था, 100% मैच हो गए। 100% मैच हो गए मतलब दूसरा कंक्लूजन क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा, ओनली टू फॉलोस। इसका आंसर क्या होगा, ओनली टू फॉलोस। अब यहां पर तीसरा कंक्लूजन चेक करते हैं, आर एंड वी में रिलेशन चाहिए था हमें, आर यहां पर है एंड वी यहां पर है। ठीक है, आर और वी के बीच में रिलेशन क्या मिलेगा हमें, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि यहां पर अपोजिट फैमिली के मेंबर आ रहे हैं। ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड मतलब पहला कंक्लूजन गलत हो गया हमारा, है ना। कैन नॉट बी डिटरमाइंड मतलब पहला कंक्लूजन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। दूसरा कंक्लूजन चेक करते हैं, एक्स और यू के बीच में रिलेशन चाहिए था, एक्स और यू के बीच में रिलेशन चाहिए, तो यहां पर भी अपोजिट फैमिली के मेंबर मिलते हैं। अपोजिट फैमिली के मेंबर मतलब एक्स एंड यू के बीच में भी रिलेशन क्या मिलेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आर एंड वी के बीच में तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड मिला ही था, सिमिलरली एक्स एंड यू के बीच में भी क्या मिला हमें, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब ये भी कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों भी कंक्लूजन गलत हुए हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए था, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। इसका आंसर क्या होगा, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। यहां पर फोर्थ कंक्लूजन चेक करते हैं, फोर्थ कंक्लूजन में हमें रिलेशन किन के बीच में चाहिए, डब्ल्यू एंड टी के बीच में। फोर्थ कंक्लूजन में हमें रिलेशन किन के बीच में चाहिए, डब्ल्यू और टी के बीच में। डब्ल्यू और टी के बीच में रिलेशन क्या मिलता है हमें, यहां पर देखो डब्ल्यू से टी तक जाते हैं, सारे मेंबर सेम फैमिली के हैं, प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसकी रहेगी, फादर ग्रैंडफादर की रहेगी। चलो, तो डब्ल्यू और टी के बीच में रिलेशन क्या मिलता है हमें, डब्ल्यू इज ग्रेटर देन टी। ठीक है, W और तो ये जो रिलेशन हमें मिला है और जो चेक करना था, 100% मैच हो रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे Z एंड W के बीच में रिलेशन चाहिए था हमें, Z एंड W के बीच में रिलेशन क्या मिलता है, ग्रेटर देन वाला मिलेगा, W इज ग्रेटर देन Z, तो ये भी मैच हुआ, मतलब ये भी क्या होना चाहिए था, सही होना चाहिए था। अब यहां पर T और P के बीच में रिलेशन चाहिए हमें, क्या चाहिए, T और P के बीच में रिलेशन। T और P के बीच में रिलेशन क्या मिलता है हमें, P इज ग्रेटर देन T, P इज ग्रेटर देन T, P और T के बीच में रिलेशन क्या है, P इज ग्रेटर देन T। तो जो रिलेशन हमें मिला है और जो रिलेशन हमें चेक करना था, क्या वो 100% मैच हुए है, चेक करो। यहां पर दिया क्या है, नाइदर लेस नॉर इक्वल। नाइदर लेस नॉर इक्वल का मतलब क्या होता है, T इज ग्रेटर देन P। नाइदर लेस नॉर इक्वल, T जो है वो P से छोटा भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, T जो है P से बड़ा होगा। ठीक है, अब देखो जो रिलेशन हमें दिया था और जो चेक करना था, क्या ये 100% मैच हो रहे हैं, नहीं हो रहा है ना, यहां पर 100% मैच हो रहा है क्या, देखो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें पहले कंक्लूजन में किसी को डाउट है तो जल्दी से पूछो। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन चेक करते हैं, पी और जेड के बीच में रिलेशन चाहिए, पी और जेड के बीच में रिलेशन क्या है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। पी और जेड के बीच में रिलेशन क्या दिया है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। पी और टी के बीच में रिलेशन क्या मिलता है हमें यहां पर,
पी इज ग्रेटर देन टी ये रिलेशन मिला है, ठीक है। एंड कंक्लूजन में क्या दिया था, टी इज नाइदर लेस नॉर इक्वल टू पी, टी इज नाइदर लेस नॉर इक्वल टू पी, ठीक है। इसका मतलब नाइदर लेस नॉर इक्वल टू पी का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन हमने एकदम शुरुआत में ही डिस्कस किया था, तो ये जो कंक्लूजन हमें ऐसा दिया था इसका मतलब क्या होता है, टी इज ग्रेटर देन पी, इसका मतलब क्या होता है, टी इज ग्रेटर देन पी। हमें रिलेशन मिला था पी बड़ा होना चाहिए था, पर यहाँ पर कंक्लूजन में दिया था ये मैच नहीं हुआ था, इसलिए हमारा पहला कंक्लूजन गलत हुआ था, ठीक है। आई गेस अभी किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कैन नॉट बी डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है, तीन पॉसिबिलिटीज, कैन नॉट बी डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है, तीन पॉसिबिलिटीज। तो यहां पर नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है, आइदर ग्रेटर और लेस, यहां पर तो दो ही कवर हुए हैं, इक्वल टू वाला आया है क्या यहां पर, नहीं। हमारा कंक्लूजन क्या था यहां पर, पी इज नॉट इक्वल टू जेड। मैं यहां पर कंक्लूजन दोबारा से लिख लेता हूं, क्या है हमारा कंक्लूजन था, पी इज नॉट इक्वल टू जेड। नॉट इक्वल टू का मतलब या तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, ठीक है। तो यहां पर भी 100% मैच नहीं हुआ, इसका मतलब ये भी क्या होना चाहिए था, गलत होना चाहिए था, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहां पर नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, ठीक है। आखिरी देखते हैं, आर एंड टी के बीच में क्या रिलेशन दिया है, हमें ये पहले निकालना है, ठीक है। अब यहां पर स्टेटमेंट में से आर एंड टी के बीच में हम रिलेशन निकालते हैं, आर और टी के बीच में रिलेशन क्या आता है, यहां पर देखो इन दोनों में प्रायोरिटी ज्यादा किसकी है, दोनों सेम ही है, तो रिलेशन आएगा आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टी। इनमें रिलेशन क्या आएगा, आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टी। अब जो मिला है और जो दिया था वो 100% मैच होते हैं क्या, चेक करो। नॉट लेस देन का मतलब क्या होता है, अगर वो छोटा नहीं है, हमें पता है ना कोई भी दो सिंबल में सिर्फ इन तीन तरीकों से कंपैरिजन हो सकता है, ठीक है। तो इसमें ये नॉट लेस देन ये वाला सिंबल अगर नहीं आता है तो बचते कौन से है, सिर्फ ये दोनों, तो इसका मतलब क्या होगा, आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टी, ठीक है। तो जो हमें रिलेशन मिला था और जो चेक करने के लिए दिया था 100% मैच हो रहा है, यानी पहला कंक्लूजन क्या हुआ, यानी पहला कंक्लूजन क्या हुआ, सही हुआ, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन देखो, W और U के बीच में रिलेशन चाहिए, W एंड U के बीच में हमें रिलेशन चाहिए था, W और U के बीच में रिलेशन क्या मिलता है हमें, W इज ग्रेटर देन U, ठीक है, W इज ग्रेटर देन U। अब W इज ग्रेटर देन U मिला है, इसका मतलब क्या है, देखो हमें यहां पर क्या दिया था, W इज नाइदर लेस नॉर इक्वल टू U, W is neither less nor equal to U, इसका मतलब ये जो सिंबल था neither less nor equal, इसका मतलब क्या होता है, greater than U, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें रिलेशन मिला था और जो चेक करने के लिए कहा था 100% मैच हुए है, यानी दूसरा भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। कंक्लूजन दिया था P is not equal to Z, not equal to Z का मतलब क्या होता है, P is either greater or less than Z, P is either greater or less than Z, ठीक है। पर P और Z के बीच में हमें रिलेशन क्या मिला था, cannot be determined, क्यों, क्योंकि P से Z के बीच में जाते हैं तो फैमिली मेंबर अपोजिट थे, ठीक है, फैमिली मेंबर क्या थे यहां पर, अपोजिट थे, ओके। अब यहां पर देखो, ये सारा का सारा खेल हमने जो नेगेटिव सिंबल देखे हैं ना उनके मतलब का है, नेगेटिव सिंबल का जो मीनिंग है उसी से रिलेटेड सारा का सारा खेल है यहां, ठीक है। अब कैन नॉट बी डिटरमाइंड में होती है तीन पॉसिबिलिटीज, हमें पता है कौन कौन सी तीन पॉसिबिलिटीज होती है कैन नॉट बी डिटरमाइंड में, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन, पर यहां पर कंक्लूजन में तो दो ही मिल रही थी, इसीलिए ये कंक्लूजन क्या हुआ था, गलत हुआ था, ठीक है। चलो अब आते हैं आइदर और केस पर, ठीक है, क्योंकि अब तक हमने इनमें से ये ऑप्शन देख लिया है, ये ऑप्शन देख लिया, ये ऑप्शन देख लिया, ये ऑप्शन देख लिया, ये कब आता है ये नहीं देखा है, और अब हम इसी को डिस्कस करेंगे। जब भी नेगेटिव सिंबल आएगा, ठीक है, मैं यहां पर बता देता हूं, जब भी नेगेटिव सिंबल आएगा, अगर आपको पहले चार कंक्लूजन क्लियर है तो आगे देखो, नेगेटिव सिंबल आने के बाद सबसे पहले उसका मीनिंग देखो क्या है,
ठीक है, एंड मीनिंग पता चलने के बाद उसको उसी वे में कंपेयर करो जो जिस वे में हमने पहले वाले टैकल किए थे। ठीक है, मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ, ठीक है, इसके बाद आपका इधर और कभी गलत नहीं होगा, बस इसको आपको ध्यान से सुनना है। ये स्टेटमेंट हमें दिया है और इसके ऊपर कंक्लूजन्स लेता हूं मैं। पहला कंक्लूजन हमें दिया है बी इज ग्रेटर देन डी, एंड दूसरा कंक्लूजन हमें दिया है बी इज इक्वल टू डी। इसका आंसर क्या होगा बताओ? कंक्लूजन का दूसरा सेट हमें दिया है, पहला कंक्लूजन इसमें दिया है हमें ए इज ग्रेटर देन एफ, एंड दूसरा कंक्लूजन हमें दिया है ए इज लेस देन इक्वल टू एफ। तीसरा कंक्लूजन हमें दिया है कि बी इज ग्रेटर देन एल, एंड इसमें दूसरा दिया है हमें एल इज लेस देन इक्वल टू बी। इन तीनों के आंसर्स क्या होंगे मुझे बताओ सब लोग? बी और डी के बीच में रिलेशन चाहिए हमें। यहां पर बी और डी के बीच में स्टेटमेंट में से रिलेशन क्या मिलता है? बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी। ठीक है, बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी, तो ये दोनों भी कंक्लूजन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। दोनों भी गलत है तो अब तक हमने जो देखा है उस हिसाब से आंसर तो नाइदर नॉर होना चाहिए था, है ना? पर है नहीं इसका आंसर नाइदर नॉर, इसका आंसर है आइदर और। इसका आंसर क्या है? आइदर और। क्यों? यहां पर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती है, आइदर और के लिए कुछ कंडीशंस होती है। ठीक है, आइदर और की कुछ कंडीशंस होती है, वो कंडीशंस क्या है हम यहां पर देख लेते हैं। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आंसर हमेशा आइदर और में आएगा। पहली कंडीशन ये होती है, हमारे पास दो कंक्लूजन होने चाहिए जिनमें सेम वेरिएबल हो। ठीक है, यहां पर देखो, पहले कंक्लूजन में भी बी और डी है, दूसरे कंक्लूजन में भी बी और डी है, दो कंक्लूजन में यहां पर क्या है हमारे पास? सेम वेरिएबल है। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये होती है हमारे पास कि वो दोनों के दोनों कंक्लूजन जो है वो गलत होने चाहिए। यहां पर पहला भी कंक्लूजन गलत हुआ है, दूसरा भी कंक्लूजन गलत हुआ है, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, है ना? पहली कंडीशन दो कंक्लूजन सेम वेरिएबल, दूसरी कंडीशन दो कंक्लूजन दोनों के दोनों गलत। तीसरी कंडीशन ये होती है कि ऑल पॉसिबिलिटीज मस्ट हैव बीन कवर्ड, ऑल पॉसिबिलिटीज मस्ट बी कवर्ड, सारी पॉसिबिलिटीज कवर होनी चाहिए। मतलब देखो, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, रिलेशन क्या मिला था हमें? बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, तो बी और डी के बीच में जितनी भी पॉसिबिलिटीज है वो सारी की सारी यहां पर कवर होनी चाहिए। तो क्या पॉसिबिलिटीज है? बी या तो डी से बड़ा हो सकता है या फिर बी डी के बराबर हो सकता है। देखो कंक्लूजन में बी इज ग्रेटर देन डी भी आ चुका है, बी इज इक्वल टू डी भी आ चुका है। ठीक है, बी और डी यहां पर कंक्लूजन गलत कब करते हैं? जब वो 100% मैच नहीं होता है। बी और डी के बीच में रिलेशन था ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां पर सिर्फ ग्रेटर देन दिया था, 100% मैच नहीं मतलब गलत। क्लियर है सबको? ठीक है, तो इसका आंसर आइदर और होगा। यहां पर बी इज ग्रेटर देन डी भी इसमें कवर हो चुका है, एंड बी इज इक्वल टू डी भी इसमें कवर हो चुका है। क्या आइदर और क्लियर है? ठीक है, अब यहां पर देखो, ज्यादातर लोगों को ऑल पॉसिबिलिटीज में यह डाउट रहता है कि दो पॉसिबिलिटीज कब चेक करनी है, ठीक है, एंड तीन पॉसिबिलिटीज कब चेक करनी है। ठीक है, ये चीज भी क्लियर हो जाएगी यहां पर। सेकेंड कंडीशन, दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। ठीक है, यहां पर देखो, ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं। इनइक्वालिटी हो चाहे सिलोजिज्म हो, सबसे पहले हमें कंक्लूजन स्कैन करने हैं और देखना है कोई दो ऐसे कंक्लूजन है क्या हमारे पास जिनमें वेरिएबल बिल्कुल सेम हो। कोई ऐसे दो कंक्लूजन है क्या हमारे पास जिनमें वेरिएबल बिल्कुल सेम हो? फॉर एग्जाम्पल देखो, इसमें ए एफ ए एफ, दोनों कंक्लूजन में वेरिएबल सेम है, आइदर और की पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दो कंक्लूजन सेम वेरिएबल। दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, वो दोनों के दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, देखते हैं दोनों के दोनों गलत है या नहीं। ए और एफ के बीच में रिलेशन क्या मिल रहा है यहां पर? कैन नॉट बी डिटरमाइंड।
ए एंड एफ के बीच में रिलेशन क्या मिलता है हमें यहाँ पर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो ये दोनों भी कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दोनों भी कंक्लूजन गलत हो गए, इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई दूसरे कंक्लूजन के लिए हमारे। ठीक है, तीसरी कंडीशन चेक करते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज कवर हुई है या नहीं। ए और एफ के बीच में रिलेशन क्या मिला है हमें, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ए और एफ के बीच में रिलेशन क्या मिला है हमें, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो पॉसिबिलिटीज कितनी होगी यहां पर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड का मतलब ए जो है एफ से बड़ा हो सकता है, या फिर ए जो है वो एफ के बराबर हो सकता है, या फिर ए जो है वो एफ से छोटा हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन पॉसिबिलिटीज मिलती है हमें किससे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड से। अब हमारा काम क्या है, ये तीनों की तीनों पॉसिबिलिटीज कंक्लूजन में आई है या नहीं, ये चेक करना है। ठीक है, अब देखो ए इज ग्रेटर देन एफ पहले कंक्लूजन में कवर हो चुका है। ठीक है, दूसरा क्या दिया था, ए इज इक्वल टू एफ, दूसरे कंक्लूजन में देखो यहां पर छुपा हुआ है, लेस देन इक्वल टू में यहां पर इक्वल टू आ रहा है, इसका मतलब ये भी कंडीशन कवर हो चुकी है। ठीक है, यहां पर तीसरी कंडीशन देखो क्या दी है, ए इज लेस देन एफ, ये दूसरे कंक्लूजन में कवर हो चुकी है। ठीक है, तो यहां पर ये तीनों की तीनों कंडीशंस कवर हो चुकी थी, आइदर और की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, इसीलिए इसका आंसर यहां पर क्या होना चाहिए था, आइदर और। क्लियर है सबको, तो यहां पर दो पॉसिबिलिटीज कब चेक करनी है, जब इनके बीच में रिलेशन जो मिलता है वो सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज देता है। ठीक है, तीन पॉसिबिलिटीज कब चेक करेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड की केस वाले में। ठीक है, अब यहां पर देखो तीसरे वाले को चेक करते हैं, बी एल एंड बी एल दो कंक्लूजन में सेम वेरिएबल, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड, बी और एल के बीच में रिलेशन क्या मिलेगा हमें स्टेटमेंट से देखते हैं, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि बी और एल के बीच में यहां पर फिर से क्या आ जाएंगे, अपोजिट फैमिली मेंबर, तो ये रिलेशन क्या आ जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, अब मैंने ये जो तीन कंडीशन है ना अब तक कम से कम 10 बार एक्सप्लेन की है। ठीक है, हर एक कंडीशन इसमें अब तक कम से कम 10 बार एक्सप्लेन हुई है, यहां पर फिर से वो कंडीशन रिपीट हो रही है, तो ध्यान से सुनो सब लोग। कैन नॉट बी डिटरमाइंड मतलब ये दोनों कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। यहां पर दोनों कंक्लूजन गलत हो चुके हैं, आइदर और की दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई थी, सारी पॉसिबिलिटीज कवर हुई या नहीं चेक करते हैं, बी इज ग्रेटर देन एल, बी इज इक्वल टू एल एंड बी इज लेस देन एल। ठीक है, ओके, अब देखो ये तीनों कंडीशन इस सेशन इसमें यहां पर इस कंक्लूजन में कवर हुई है या नहीं देखते हैं। B is greater than L कवर हो चुका है, ये कंडीशन कवर हो चुकी है। B is equal to L सेकेंड में आया हुआ है, तो ये भी कंडीशन कवर हो चुकी है। B is less than L, B is less than L, ठीक है, यहां पर देखो ये कंडीशन कवर हुई है क्या, B is less than L फर्स्ट में भी नहीं है, है क्या यहां पर B is less than L, नहीं है। सेकेंड में चेक करो B is less than L है क्या, नहीं है, तो ये कंडीशन हमें कवर नहीं हुई है ना ऑप्शंस में। सिंबल तीन दिखाई दे रहे हैं, बट सिंबल से लेना देना नहीं होता है, हमारी ये क्या थी, ऑल पॉसिबल रिलेशन, ऑल पॉसिबिलिटीज। ठीक है, सारी पॉसिबिलिटीज कवर होनी चाहिए थी, इसमें एक रिलेशन मिसिंग है, इसीलिए इसका आंसर आइदर और नहीं होगा। इनमें से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो उसका आंसर आइदर और नहीं होता है। ठीक है, तो जो भी उसका आंसर यहां से हमें मिला है वो करेंगे, ये दोनों गलत हुए हैं तो इसका आंसर क्या करना चाहिए हमें, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। ठीक है, तो ये आइदर और के बारे में पूरा का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है। ये कंडीशन ये कहती है कि यहां पर जो भी वेरिएबल आते हैं उनके बीच में जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनती है वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज कंक्लूजन में कवर होनी चाहिए। जैसे कि यहां पर ए और एफ के बीच में रिलेशन क्या मिला था हमें, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ए और एफ के बीच में रिलेशन क्या मिला था हमें, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कैन नॉट बी डिटरमाइंड में होती है तीन पॉसिबिलिटीज, ये हमने तब डिस्कस किया था जब हम इसमें क्या कर रहे थे, सिंबल के मतलब डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो तीन पॉसिबिलिटीज, ए इज ग्रेटर देन एफ यहां पर आ चुका था,
ए इज इक्वल टू एफ यहाँ पर सेकेंड में आ चुका था, ए इज लेस देन एफ फिर से सेकेंड में आ चुका था, तो इस तरीके से ये तीनों भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पर कवर हो गई थी, इसीलिए इसका आंसर क्या आ रहा था, आइदर और आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं बी और एल के बीच में फिर से रिलेशन क्या मिला था हमें, कैन नॉट बी डिटरमाइंड मिला था। बी और एल के बीच में रिलेशन क्या मिला था हमें, कैन नॉट बी डिटरमाइंड मिला था। तो बी और एल के बीच में क्या क्या रिलेशन आने चाहिए थे, बी इज ग्रेटर देन एल होना चाहिए था, बी इज इक्वल टू एल होना चाहिए था, एंड बी इज लेस देन इक्वल टू एल होना चाहिए था। बी इज लेस देन एल होना चाहिए था, ग्रेटर देन एल, इक्वल टू एल, लेस देन एल, इतने सारे रिलेशन इसमें कवर होने चाहिए थे। बी इज ग्रेटर देन एल फर्स्ट में आ चुका था तो ये कवर हुआ था, बी इज इक्वल टू एल सेकेंड में यहां पर आया है तो ये कवर हुआ है, बी इज लेस देन एल, जरा इसको ऑब्जर्व करो, बी इज लेस देन एल है क्या इसमें, नहीं है। सेकेंड को ऑब्जर्व करो, बी इज लेस देन एल है क्या इसमें, नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन कवर नहीं हुआ है ना, तो ये जो आइदर और की तीसरी कंडीशन थी यहां पर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो आइदर और हम मार्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों भी गलत हुए थे, इसीलिए हमने इसका आंसर नाइदर वन नॉर टू मार्क किया था। ठीक है, यहां पर आई और के बीच में थोड़ा सा चेक करते हैं, आई के दो कंक्लूजन है, सेम वेरिएबल है, इसका मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, आइदर और की यहाँ पर पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। आई और के बीच में रिलेशन अगर हम देखते हैं तो आई और के बीच में रिलेशन क्या आता है, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, रिलेशन क्या आता है, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू के 100% मैच नहीं मतलब गलत है, 100% मैच नहीं मतलब ये भी गलत है। ठीक है, आइदर और की दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई यहाँ पर। तीसरी, ऑल पॉसिबल रिलेशन कवर होने चाहिए थे, यहाँ पर पॉसिबल क्या क्या है, आई बड़ा भी होना चाहिए था, बराबर भी होना चाहिए था। ठीक है, अब यहां पर देखो, आई बराबर तो है यहां पर इसमें से किसी भी कंक्लूजन में आई बड़ा है के से ये दिखाई देता है क्या हमें, क्या आई इज ग्रेटर देन के ये कंडीशन फोर्थ में कवर हुई है? ठीक है, तो यहां पर ये कंडीशन कवर नहीं हुई है, ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू है। ठीक है, ये पेज अपने आप ही चेंज हो रहा है यहां से, ये थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, ये जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा, डोंट वरी। तो यहां पर ये कंडीशन कवर नहीं हुई है, इसीलिए इसमें तीसरी कंडीशन कवर नहीं होती है, तो यहां पर इसका आंसर आइदर और नहीं कर सकते हैं, दोनों भी गलत थे, इसीलिए हमें इसका आंसर क्या करना पड़ेगा, नाइदर नॉर करना पड़ेगा। इसीलिए इसका आंसर क्या करना पड़ेगा हमें, नाइदर नॉर, दोनों गलत थे। ठीक है, चलो पांचवा चेक करते हैं, आई एफ, आई एफ, आई और एफ के बीच में रिलेशन क्या है, देखो आई इज ग्रेटर देन एफ, आई और एफ के बीच में रिलेशन क्या है, आई इज ग्रेटर देन एफ। अब आई इज ग्रेटर देन एफ पहले में मैच होता है तो ये क्या है, सही है, पहला कंक्लूजन क्या है, सही है। दूसरा कंक्लूजन देखो क्या दिया है, एफ इज इक्वल टू आई, दूसरा कंक्लूजन हमें क्या दिया है, एफ इज इक्वल टू आई, मैच नहीं होता है मतलब ये क्या है, गलत है, मैच नहीं हुआ मतलब ये क्या है, गलत है। अब देखो, आइदर और की दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई ना यहाँ पर, दूसरी कंडीशन क्या है आइदर और की, कि दोनों गलत होने चाहिए थे, यहाँ पर तो हुए नहीं है। ठीक है, पहला सही था, इसीलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए था, ओनली वन फॉलोज, आइदर और नहीं कर सकते क्योंकि आइदर और की दूसरी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं होती है। ठीक है, तो बस सिंबल देख के नहीं करना है, वही मैं आपको बता रहा हूं। सिक्स कंक्लूजन चेक करते हैं क्या दिया है हमें, सिक्स में बी एफ सेम वेरिएबल है, सिक्स में बी एफ सेम वेरिएबल है, तो यहां पर आइदर और फिर से बन सकता है। ठीक है, बी और एफ के बीच में रिलेशन अगर हम देखते हैं तो क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बी और एफ के बीच में रिलेशन क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड मतलब ये दोनों भी कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब देखो, यहां पर पहले दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, तीसरी कंडीशन सारे पॉसिबल रिलेशन, कैन नॉट बी डिटरमाइंड में बी इज ग्रेटर देन एफ भी होना चाहिए, बी इज इक्वल टू एफ भी होना चाहिए, एंड बी इज लेस देन एफ ये भी होना चाहिए। ठीक है, यहां पर b इज ग्रेटर देन f है, लेस देन f है, पर ये कंडीशन कवर नहीं हुई है, पहली थी तीसरी थी ये नहीं थी,
ठीक है ना, बी इज इक्वल टू एफ यहां पर कहीं कवर हुआ है क्या? नहीं, मतलब इसमें भी तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था? नाइदर नॉर। इसका आंसर क्या होना चाहिए था? नाइदर नॉर, क्योंकि दोनों गलत हुए हैं। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, सातवां कंक्लूजन देखते हैं। सातवां कंक्लूजन, सी एल और एल सी, सी और एल के बीच में हमें रिलेशन चाहिए। ठीक है, सी और एल के बीच में रिलेशन क्या है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सी और एल के बीच में रिलेशन क्या है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये दोनों भी कंक्लूजन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर पहले दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, एंटिटीज भी सेम थी, और क्या था कि दोनों भी कंक्लूजन गलत हुए हैं। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या चेक करना है? सारी पॉसिबिलिटीज। सी इज ग्रेटर देन एल, सी इज इक्वल टू एल एंड सी इज लेस देन एल, कैन नॉट बी डिटरमाइंड में ये तीन रिलेशन आने चाहिए थे। सी इज ग्रेटर देन एल पहले कंक्लूजन में आ चुका है, ठीक है, सी इज इक्वल टू एल सेकेंड कंक्लूजन में आ चुका है, सी इज लेस देन एल यहां पर सेकेंड कंक्लूजन में आ चुका है, सी इज लेस देन एल सेकेंड कंक्लूजन में आ चुका है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर भी सारी पॉसिबिलिटीज कवर हुई है, आइदर और की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, इसीलिए इसका आंसर क्या आना चाहिए? आइदर और। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो मैं यहां पर कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ आइदर और के, इनको मैं मिटा देता हूँ। पहले मैं यहाँ पे स्टेटमेंट फिर से लिखता हूँ जो भी हमने लिया था। ठीक है, इसके ऊपर मैं आपको कंक्लूजन देता हूँ, वो कंक्लूजन चेक करो। पहला कंक्लूजन है बी इज लेस देन डी एंड दूसरा कंक्लूजन है सी इज इक्वल टू ई। चलो इसका आंसर क्या होगा, सब लोग बताओ जल्दी से। ध्यान से सुनना, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ शुरुआत से, ध्यान से सुनो। बी और डी के बीच में रिलेशन चाहिए, बी और डी के बीच में रिलेशन क्या मिलता है हमें यहाँ पर? बी इज लेस देन इक्वल टू डी। क्या मिलता है रिलेशन हमें यहाँ पर? बी इज लेस देन इक्वल टू डी। ठीक है, तो बी इज लेस देन इक्वल टू डी क्या होगा? गलत होना चाहिए था। ओके, सेकेंड कंक्लूजन चेक करो और बताओ क्या होगा। सी और ई के बीच में रिलेशन चाहिए था, सी और ई के बीच में रिलेशन क्या मिलेगा हमें? सी इज लेस देन इक्वल टू ई। ये भी कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पर ध्यान से सुनो, इसका आंसर नाइदर नॉर नहीं है, इसका आंसर जो है वो आइदर और सही है। अब इसमें आइदर और क्यों नहीं आया? क्योंकि आइदर और की एक कंडीशन क्या होती है कि दोनों में वेरिएबल सेम होने चाहिए। दोनों भी कंक्लूजन में क्या होने चाहिए? वेरिएबल सेम होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर वेरिएबल तो सेम नहीं है, फिर आप कहोगे आइदर और कैसे आ गया? ठीक है, पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या दिया है हमें? बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, अगर बी और सी बराबर है तो यहाँ पर जो सी है इसको मैं बी लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी और सी को, अगर हम सी को बी लिख रहे हैं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। यहाँ पर क्या दिया है? डी इज इक्वल टू ई, है ना। डी इज इक्वल टू ई है तो ई को अगर हम डी लिखते हैं तो भी कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर इसके वजह से हम ये जो सेकेंड कंक्लूजन था इसको ऐसे भी लिख सकते थे, बी इज इक्वल टू डी। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में हमें दिया था बी इज इक्वल टू सी, बी और सी बराबर है तो सी और बी आपस में रिप्लेस किए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो तो यहां पर अब ये कंक्लूजन में थोड़ा सा चेक करो, बी और डी वेरिएबल सेम आ चुके हैं, है ना। बी और डी यहां पर वेरिएबल सेम आ चुके हैं, दो कंक्लूजन सेम वेरिएबल, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है आइदर और की। ये दोनों के दोनों भी क्या हुए हैं? गलत हुए हैं। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, सारे पॉसिबल रिलेशन कवर होते हैं या नहीं चेक करते हैं। सारे पॉसिबल रिलेशन में हमें क्या चाहिए था? बी इज लेस देन डी आना चाहिए था एंड बी इज इक्वल टू डी ये भी आना चाहिए था, सेटिस्फाई हुई थी, इसीलिए इसका आंसर आइदर और आया था। क्या अब ये सबको क्लियर हुआ है? जिन्होंने नाइदर नॉर आंसर दिया था, क्या उन सबको क्लियर हुआ है? जल्दी से बताओ। ठीक है, चलो आइदर और में यहां पर हमें बस क्या देखना था, बी और सी इक्वल थे स्टेटमेंट में तो सी को बी से रिप्लेस कर सकते थे। तो ये सेकेंड कंक्लूजन जो हमें सी इज इक्वल टू ई दिया था, क्या दिया था? सी इज इक्वल टू ई। सी को बी से रिप्लेस करने के बाद बी लिखेंगे, ई को डी से रिप्लेस करेंगे तो डी लिखेंगे। तो ये कंक्लूजन बी सी इज इक्वल टू, ये जो कंक्लूजन दिया था उसी कंक्लूजन में हम को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते थे और यहां पर आइदर और बन सकता था। ठीक है, जिनको क्लियर नहीं हुआ है शायद अब क्लियर हो गया होगा। चलो
सब लोग आइदर और बोल रहे हैं, मैं आंसर पहले बता देता हूँ, डिस्कशन बाद में करते हैं इसका। इसका आंसर है नाइदर नॉर, इसका आंसर है नाइदर नॉर। ठीक है, अब ऐसा क्यों मैं बताता हूं आपको ऐसा क्यों। अब यहां पर देखो, पहले तो हम चेक करते हैं आइदर और की कंडीशंस। ए एफ ए एफ, हाँ तो अब ऐसा क्यों, वही तो डिस्कस कर रहे हैं हम। ए एफ, आइदर और की जो पहली कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो गई। ए और एफ के बीच में रिलेशन क्या मिलता है हमें यहाँ पर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ए और एफ के बीच में रिलेशन क्या मिला हमें, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये दोनों भी कंक्लूजन क्या हो जाएंगे, गलत। आइदर और की दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। आइदर और की दूसरी कंडीशन भी यहाँ पर क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है। इसके बाद यहां पर तीसरी कंडीशन, सारे पॉसिबल रिलेशन कवर होते हैं या नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइंड में ए इज ग्रेटर देन एफ होना चाहिए, ए इज इक्वल टू एफ होना चाहिए एंड ए इज लेस देन एफ होना चाहिए, ठीक है। कैन नॉट बी डिटरमाइंड में ये तीनों की तीनों कंडीशन कवर होनी चाहिए थी। अब देखो, ए इज ग्रेटर देन एफ पहले कंक्लूजन में कवर हुआ है, ए इज इक्वल टू एफ दूसरे कंक्लूजन में और पहले दोनों में भी दिख रहा है, ए इज लेस देन एफ दूसरे कंक्लूजन में कवर हुआ है, ठीक है। अब देखो, तीनों की तीनों कंडीशन कवर हुई है, आइदर और की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है। फिर भी इसका आंसर हमने नाइदर नॉर क्यों किया, इसके पीछे एक रीजन है, ठीक है। पहले मैं आपको ये पहचानने की ट्रिक बताता हूं, फिर इसके कंसेप्ट के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब देखो, यहां पर ए इज इक्वल टू एफ फर्स्ट कंक्लूजन में भी आ चुका है, ए इज इक्वल टू एफ सेकेंड कंक्लूजन में भी आ चुका है, ठीक है। तीसरी कंडीशन जो थी हमारी, ऑल पॉसिबल रिलेशन, तीसरी कंडीशन क्या थी, ऑल पॉसिबल रिलेशन जो है वो कवर होने चाहिए थे, ठीक है। बात बिल्कुल सही है, बात बिल्कुल सही है, पर हर एक रिलेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आना चाहिए, रिलेशन रिपीट नहीं होना चाहिए। यहां पर देखो, इक्वल टू फर्स्ट में भी आया है, इक्वल टू सेकेंड में भी आया है, ठीक है। इक्वल टू फर्स्ट में भी है, इक्वल टू सेकेंड में भी है, इक्वल टू दो बार रिपीट हुआ है, इसीलिए इसमें आइदर और नहीं है, ठीक है। तो तीसरी कंडीशन हमारी अब पूरी कैसे हो गई, सारे पॉसिबल रिलेशन तो कवर होने ही चाहिए, प्लस उसमें कोई भी रिलेशन रिपीट नहीं होना चाहिए। आइदर और के हमने अब तक जितने भी एग्जाम्पल सॉल्व किए, आइदर और के हमने अब तक जितने भी एग्जाम्पल सॉल्व किए उनमें क्या देखा, हमने सिर्फ रूल देखे, कंसेप्ट कहीं देखा ही नहीं, ठीक है। आइदर और का कंसेप्ट ये होता है, आइदर और का कंसेप्ट ये होता है, उसमें से अगर एक सही होता है तो दूसरा 100% गलत होना चाहिए, और अगर दूसरा सही हुआ तो पहला 100% गलत होना चाहिए। आइदर और, या एक या दो, मतलब पहला हुआ तो दूसरा नहीं होगा और दूसरा हुआ तो पहला नहीं होगा, ये मतलब होता है आइदर और का, ठीक है। जैसे कि यहां पर हमें पता था बी इज आइदर लेस और इक्वल टू डी, या तो छोटा होगा या बड़ा होगा, एट अ टाइम दोनों में से कोई नहीं होगा, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूं ना, इसीलिए मैंने कहा कि सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, है ना, आपकी कोई भी चीज नहीं छूटेगी, सारी चीज हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अब इसमें डिफरेंस क्या हुआ, देखो, A इज इक्वल टू एफ यहां पर फर्स्ट में भी था एंड A इज इक्वल टू एफ यहां पर सेकेंड में भी था, है ना। तो अगर इन केस हम पहले कंक्लूजन को सही करते हैं, अगर इन केस हम पहले कंक्लूजन को सही करते हैं तो क्या दूसरा कंक्लूजन 100% गलत हो पाएगा, बताओ, ठीक है। तो यहां पर ये, अगर A इज इक्वल टू एफ सही होता है तो ये जो पहला कंक्लूजन सही किया तो इसमें a इज इक्वल टू एफ वाला जो पार्ट है ये गलत नहीं होगा ना, मतलब ये 100% गलत नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब सही हुआ तो दूसरा 100% गलत नहीं हो पा रहा था, इसीलिए इसमें आइदर और नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि एक सही हुआ तो दूसरा गलत होना ही चाहिए था, इसीलिए सिंबल रिपीट नहीं होने चाहिए थे, रिपीटेशन से ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसका आंसर दोनों गलत है, तो हमें क्या करना है, नाइदर वन नॉर टू फॉलोस, नाइदर नॉर। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट सबको, बताओ, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी, सिंबल रिपीट नहीं होना चाहिए। अब देखो, रिपीट होने से क्या हुआ, पहले कंक्लूजन को अगर हमने सही कहा तो इसमें ए इज इक्वल टू एफ ये जो पार्ट था, ठीक है, तो ये पार्ट ए इज इक्वल टू एफ सेकेंड में भी है, तो ये भी सही हो जाएगा ना।
सेकेंड कंक्लूजन का जो ए इज इक्वल टू एफ ये पार्ट है ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसी वजह से ये अगर पहला सही होता है तो दूसरा 100% गलत नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहां पर पहला सही हुआ तो दूसरा गलत नहीं हो रहा है, इसीलिए नाइदर नॉर मार्क करते हैं। ये था कंसेप्ट, बट ट्रिक क्या थी इसमें कि सिंबल रिपीट हमारे नहीं होने चाहिए थे। क्लियर हुआ सबको? चलो, तो ये था आइदर। और यहां पर हमारा इनइक्वालिटी का चैप्टर पूरा होता है, इसमें कोडेड इनइक्वालिटीज है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस ये है, ओनली वन फॉलोज, ओनली टू फॉलोज, आइदर वन और टू फॉलोज, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज एंड बोथ वन एंड टू फॉलोज। ओके, अब मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, आप में से किसी को भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। ठीक है, अब यहां पर देखो एच और एल के बीच में रिलेशन, एच इज ग्रेटर देन एल, ठीक है ना, इनमें एच इज ग्रेटर देन एल ये रिलेशन मिलेगा, सही हो जाएगा। के और टी के बीच में रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। अपोजिट फैमिली कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आंसर क्या होना चाहिए यहां पर, ओनली वन। ठीक है, यहां पर आंसर क्या होगा, ओनली वन। पी और जी के बीच में रिलेशन चाहिए था, पी यहां पर है, जी यहां पर है, पी इज ग्रेटर देन जी रिलेशन मिलेगा, प्रायोरिटी किसके ज्यादा रहेगी, जी की। रिलेशन क्या मिलेगा, पी इज ग्रेटर देन जी, मैच हुआ यानी पहला कंक्लूजन सही। जे और जी के बीच में रिलेशन चाहिए, क्या रिलेशन मिलेगा, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, जे इज ग्रेटर देन जी, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। यहां पर ये सारे क्या हो गए हैं, दोनों भी सही हुए हैं, इसका आंसर क्या होगा, बोथ वन एंड टू फॉलोस। इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस, ठीक है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड रिलेशन, अपोजिट फैमिली मेंबर है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड गलत होना चाहिए था। एन और एस के बीच में रिलेशन, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस, तो ये क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों देखो, इसके आंसर क्या होंगे बताओ जल्दी से, y और m के बीच में हमें रिलेशन चाहिए था, है ना, m और y के बीच में, m और y के बीच में रिलेशन क्या है, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, यहां पर ये मैच नहीं हुआ, मतलब ये गलत है। o और s के बीच में रिलेशन चाहिए, o और s के बीच में रिलेशन अपोजिट फैमिली मेंबर्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये गलत हो जाएगा, है ना, तो यहां पर आंसर क्या आएगा, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, v और u के बीच में रिलेशन, U और V के बीच में रिलेशन क्या आता है, U इज ग्रेटर देन V, पहला कंक्लूजन सही। Z और F के बीच में रिलेशन चेक करना है, F इज ग्रेटर देन Z, ठीक है। अब देखो यहां पर Z और F के बीच में रिलेशन क्या मिलता है हमें, Z इज ग्रेटर देन इक्वल टू F, ये रिलेशन मिला हमें स्टेटमेंट से। ये दोनों मैच किए क्या, नहीं किए, मैच नहीं किए मतलब ये क्या होना चाहिए था, सही नहीं हो सकता था, ये क्या है, गलत है। ओके, अब ये सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन द एक्सप्रेशन आर इज लेस देन इक्वल टू पी, आर इज लेस देन इक्वल टू पी, ये एक्सप्रेशन कौन से ऑप्शन में सही होता है, क्या चेक करना है हमें, आर इज लेस देन इक्वल टू पी। अब ये रिवर्स इनइक्वालिटीज है, अब तक हमने क्या किया था, स्टेटमेंट से कंक्लूजन चेक किए थे, अब हमें यही कंक्लूजन दिया है, कंक्लूजन R is equal to P, इन में से कौन से स्टेटमेंट में R is less than equal to P, ये जो है कौन से स्टेटमेंट में सही होता है। ठीक है, अगर हम पहला ऑब्जर्व करते हैं तो R और P के बीच में रिलेशन क्या मिलता है, देखो इन सब में प्रायोरिटी, सभी सेम फैमिली से है, प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू की, ठीक है ना, तो यहां पर रिलेशन क्या मिलेगा हमें, R is less than equal to P, पहले में सही हो रहा है यानी पहला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, डज नॉट होल्ड ट्रू, इसमें क्या दिया है हमें, डज नॉट होल्ड ट्रू, ओके, डज नॉट होल्ड ट्रू हमें बताना है इसमें। ओके, तो यहां पर R इज इक्वल टू P ये जो है सही हो रहा है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, R इज इक्वल टू P इसमें क्या हो रहा था, सही हो रहा था, तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, R इज इक्वल टू P सही हो रहा है। B में चेक करते हैं R और P के बीच में रिलेशन, अब यहां पर P और R के बीच में रिलेशन देखो क्या है, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू R, तो इसमें भी R इज लेस देन इक्वल टू क्या हो रहा है, सही हो रहा है, R इज लेस देन इक्वल टू P, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। ठीक है, थर्ड C में देखते हैं R और P के बीच में रिलेशन क्या है, R इज लेस देन इक्वल टू P, ठीक है, यहां पर भी R इज लेस देन इक्वल टू P सही हो रहा है, ऑप्शन सी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, यहां पर देखते हैं डी ऑप्शन में, R इज लेस देन इक्वल टू P हो रहा है क्या, इसमें देखो P और R के बीच में यहां पर रिलेशन क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड,
पी और आर के बीच में रिलेशन क्या आएगा यहाँ पर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो अब देखो इसमें क्या ये कंक्लूजन गलत होगा, सही नहीं हो पा रहा है ना, रिलेशन पता है क्या हमें? नहीं, मतलब ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा इसमें, गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन डी जो है, पी और आर के बीच में हमें रिलेशन क्या मिला था, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो आर और पी के बीच में कुछ भी रिलेशन के बारे में डेफिनेटली कुछ भी बोल सकते हैं क्या हम? नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन डी में ये कंक्लूजन जो है वो गलत हो रहा था, और इसीलिए हमारा आंसर क्या होना चाहिए था, ऑप्शन डी होना चाहिए था। इज इट क्लियर? ठीक है, एंड पांचवे में देखते हैं, तो आर इज इक्वल लेस देन इक्वल टू पी, यहां से हमें रिलेशन मिलेगा, ये सही हो रहा है, इसलिए पांचवा भी आंसर नहीं हो सकता है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है, अब हमें इसमें सेवेंथ क्वेश्चन में क्या बताना है, क्यू इज लेस देन आर, क्यू इज लेस देन आर, ये सही नहीं है। कौन से में सही नहीं है बताओ, क्यू इज लेस देन आर कौन से में सही नहीं है? इसमें क्यू इज लेस देन आर है, आंसर नहीं होगा। इसमें देखो क्यू इज ग्रेटर देन आर है, इस सेकेंड में क्या है, क्यू इज ग्रेटर देन आर, तो सेकेंड ऑप्शन में ये कंक्लूजन सही नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए था, ऑप्शन बी होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। एट क्वेश्चन देखते हैं, इस एक्सप्रेशन में हमें क्या बताना है कि एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू। ठीक है, यहां पर हमें दो कंक्लूजन दिए हैं, कौन कौन से दिए हैं, एन इज ग्रेटर देन इक्वल, नहीं आठवां क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा स्लाइड चेंज हो गया था, इज डेफिनेटली ट्रू। तो चलो यहां पर अब हमें क्या बताना है, डेफिनेटली ट्रू, एम इज ग्रेटर देन आर, एम इज ग्रेटर देन आर, ये कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू इनमें से कौन से स्टेटमेंट में होता है। ठीक है, अब देखो चलो यहां पर एम और आर के बीच में रिलेशन क्या है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो यहां पर ये डेफिनेटली ट्रू नहीं होगा। ठीक है, पहला कंक्लूजन, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। एम इज ग्रेटर देन आर, यहां पर रिलेशन एम और आर के बीच में क्या मिलता है, एम इज ग्रेटर देन आर, इसमें सही हो रहा है। चलो सी में चेक करते हैं, एम और आर के बीच में रिलेशन, ये सारे मेंबर सेम फैमिली से है, एम इज ग्रेटर देन आर, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, एम और आर के बीच में रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बी सही है, सी सही है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था, फाइनल आंसर ऑप्शन ई, बोथ बी एंड सी। ठीक है, क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाइन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी ट्रू इफ द गिवन एक्सप्रेशन इज डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, एक एक्सप्रेशन दिया है, अब हमें क्या दिया है, एक एक्सप्रेशन दिया है, और इस एक्सप्रेशन से कौन कौन से कंक्लूजन सही होंगे ये बताना है हमें। ठीक है, ए इज ग्रेटर देन डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड रिलेशन ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में रिलेशन क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये कंक्लूजन गलत। ई और सी के बीच में रिलेशन चाहिए, ई और सी के बीच में रिलेशन क्या मिलेगा हमें यहाँ से, ई इज ग्रेटर देन सी, मैच नहीं हुआ, मतलब सेकेंड भी क्या होना चाहिए, गलत। बी और डी के बीच में रिलेशन अगेन क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ए और सी के बीच में रिलेशन चाहिए था, क्या मिलेगा, ए इज ग्रेटर देन सी, तो ये मैच हुआ, यानी ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। टेंथ क्वेश्चन, इफ द एक्सप्रेशन, ये क्या है, सही है, ये तीन एक्सप्रेशन सही दिए हैं हमें। ठीक है, पहला एक्सप्रेशन क्या दिया है हमें, पी इज लेस देन क्यू, क्यू इज लेस देन इक्वल टू आर, आर इज ग्रेटर देन एस। दूसरा एक्सप्रेशन क्या दिया था, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी, अगर इसको हम यहीं पे कंबाइन करना चाहते हैं तो ऐसे कंबाइन करेंगे, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी, है ना, एंड एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, इसमें कंबाइन कैसे करेंगे, क्यू के साथ कंबाइन करेंगे एन को। ठीक है, तो एन जो है क्यू से क्या होना चाहिए था, बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने ये स्टेटमेंट जो है क्या कर लिए है, कंबाइन कर लिए। ठीक है, ये कंबाइन कर लिए हमने स्टेटमेंट, अब देखो इनमें से कौन सा डेफिनेटली ट्रू होगा ऑप्शन में से, ये हमें बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला कंक्लूजन दिया था एन इज इक्वल टू आर, अब एन और आर के बीच में रिलेशन देखो क्या मिलेगा, एन से लेकर आर तक जाते हैं, तो ये रिलेशन क्या मिलता है हमें, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, हमें ये जो अलग अलग स्टेटमेंट दिए थे ये क्या करने हैं, कंबाइन करने हैं।
आर का रिलेशन टी के साथ दिया था, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी, तो हमने यहां पर आर का रिलेशन टी के साथ लिख लिया। लिखने का तरीका हमने ठीक है, तो यहां पर इसको हमने कंबाइन किया है इस तरीके से। ये कॉम्बिनेशन क्लियर हो गया है सबको, ठीक है। अब देखो p इज लेस देन n, p और n के बीच में रिलेशन चाहिए हमें। यहां पर n से लेकर p तक जाते हैं तो सारे मेंबर सेम फैमिली के मिलते हैं, है ना। इन दोनों में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी, तो ये रिलेशन क्या मिलने का हमें, n इज ग्रेटर देन p, ठीक है। ये दोनों भी मैच किए हैं, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए था, ऑप्शन बी। 10th क्वेश्चन में हमें कॉम्बिनेशन करना था। कॉम्बिनेशन कैसे करना है मैं बताता हूं एक बार फिर से। ये पहला स्टेटमेंट हमें दिया था वो हमने लिख लिया एज इट इज, ठीक है। ये जो पहला स्टेटमेंट हमें दिया था वो क्या कर लिया हमने, एज इट इज लिख लिया। अब इसके साथ हमें ये सेकेंड स्टेटमेंट ऐड करना था, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी। आर का रिलेशन हमें किसके साथ बोला गया है, टी के साथ। आर का रिलेशन हमें किसके साथ बोला गया है, टी के साथ, ठीक है। रिलेशन क्या है, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी, रिलेशन क्या है ये, आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टी। अब यहां पर यही चीज हमें लिखनी थी, आर जो है वो टी से बड़ा या बराबर होना चाहिए था, ठीक है। आर जो है वो टी से बड़ा या बराबर होना चाहिए था, हमने इस तरीके से लिख लिया। लिखा थोड़ा अलग तरीके से है बट मीनिंग वही है। अब एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू, ये देखना है हमें, एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू। अब देखो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू q, ये जो है ठीक है, इसको हम यहां पर ऐसे लिखेंगे, n का रिलेशन q के साथ दिया है, क्या दिया है, n जो है q से बड़ा या बराबर होना चाहिए था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहां पर कंबाइन कर लिया है, ओके। अब देखो n और r के बीच में रिलेशन चाहिए था हमें पहले में, इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही गलत बताना था। n से लेकर r तक अगर हम जाते हैं तो यहां पर पहले पहले फैमिली का मेंबर है, दूसरे फैमिली का मेंबर है, अलग फैमिली के मेंबर मिल रहे थे, तो ये रिलेशन क्या मिलना था हमें, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसीलिए पहला क्या हुआ था, गलत हुआ था। एन और पी के बीच में, एन से लेकर पी तक जाते हैं कौन कौन मिल रहा है, देखो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, ये एन से पी तक जाते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, ये मिलते हैं ना, कैसे जाएंगे, एन से क्यू एंड क्यू से पी, ठीक है। तो इसमें प्रायोरिटी किसकी ज्यादा रहेगी, ग्रेटर देन की, तो एन इज ग्रेटर देन पी, ये रिलेशन हमें मिलेगा। ये रिलेशन मिला है मतलब सेकंड कंक्लूजन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ है सबको। अब देखो यहां पर क्या किया है, यहां पर जो क्वेश्चन की लैंग्वेज दी है उसको थोड़ा सा क्या कर दिया है, इंफॉर्मेशन देने के तरीके में चेंज किया है, ठीक है। पी स्टार क्यू, इसका मतलब हमें यहां पर बताना था, पी स्टार क्यू का मतलब क्या है, नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, ठीक है। ग्रेटर भी नहीं है, स्मॉलर भी नहीं है, तो स्टार का मतलब क्या होना चाहिए था, इक्वल टू होना चाहिए था, ठीक है। स्टार का मतलब क्या होना चाहिए था, इक्वल टू। पी स्टार क्यू अगर हमें ऐसा दिया जाता है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए था, नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, ठीक है। हमारे सामने बस ये तीन सिंबल है, हम क्या करेंगे, इनमें से जिस किसी के भी सिंबल पर नाइदर लगेगा, निगेटिव लगेगा, वो छोड़कर बाकी सब ले लेंगे, ठीक है। तो स्टार में यहां पर हमें क्या दिया था, ग्रेटर भी नहीं, स्मॉलर भी नहीं, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए था, इक्वल टू होना चाहिए था, ठीक है। ऐसे ही यहां पर डॉलर का मतलब हमें दिया है, डॉलर का मतलब हमें क्या दिया था, नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू, ठीक है। नाइदर ग्रेटर, ग्रेटर भी नहीं, इक्वल भी नहीं, मतलब लेस होना चाहिए था, तो डॉलर का मतलब क्या है, लेस, ठीक है। वैसे ही एट द रेट का मतलब देखते हैं, एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट मतलब दिया है नॉट स्मॉलर देन, नॉट स्मॉलर मतलब स्मॉलर अगर हटा देते हैं तो क्या बचता है हमारे पास, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्लियर है सबको, ठीक है। एंड पी कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब दिया है नॉट ग्रेटर देन, कॉपीराइट का मतलब क्या दिया है, नॉट ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन का मतलब क्या है, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो कॉपीराइट का मतलब क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू। टेक्निक क्या है, इनमें से जिसके भी ऊपर नॉट लगेगा वो छोड़कर बाकी सारे सिंबल हम कंसिडर करेंगे। जैसे कॉपीराइट में नॉट किसके ऊपर लगा था, सिर्फ ग्रेटर देन के ऊपर, तो ग्रेटर देन छोड़ के, ग्रेटर देन छोड़ के हमारे पास क्या बचा था, इक्वल टू एंड लेस देन, तो कॉपीराइट के लिए हमने क्या लिया, लेस देन और इक्वल टू। आखिरी बचा हमारे पास हैश,
ठीक है, तो हैश का मतलब है नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल, ठीक है, स्मॉलर भी नहीं इक्वल भी नहीं, मतलब क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। सारे सिंबल के मतलब क्लियर हो गया सबको? अब मतलब क्लियर है तो यहां पर ये क्वेश्चन बहुत आसान है, हमें क्या करना है, हर एक कोड की जगह क्या करना है, उसका सिंबल रखना है। जैसे एट द रेट, एट द रेट का मतलब क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू, एट द रेट का मतलब क्या था, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हम यहां पर ये कैसे लिखेंगे, डब्ल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी, है ना, एट द रेट का मतलब डब्ल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टी, टी कॉपीराइट एम, टी कॉपीराइट एम इसका मतलब क्या है, टी कॉपीराइट एम इसका मतलब क्या है, कॉपीराइट का मतलब हमें पता है लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब टी इज लेस देन इक्वल टू एम है, टी इज लेस देन और इक्वल टू एम है, ठीक है। एम डॉलर डी, एम डॉलर डी, डॉलर का मतलब हमें पता है क्या है, लेस देन, ठीक है, तो एम डॉलर डी का मतलब है एम इज लेस देन डी, ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट बन गया है। अब देखो हमें ये कंक्लूजन चेक करना था, डब्ल्यू हैश डी, हैश का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, ठीक है, तो ये कंक्लूजन क्या है, W इज ग्रेटर देन D, चेक करो W इज ग्रेटर देन D है कि इसमें रिलेशन क्या है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, पहला कंक्लूजन गलत। W एट द रेट D, W एट द रेट D कैन नॉट बी डिटरमाइंड, दूसरा कंक्लूजन गलत, W और D के बीच में रिलेशन क्या है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। D हैश T, D हैश T, D हैश T का मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या था, W इज ग्रेटर देन इक्वल टू D, ठीक है, D हैश T, D hash T का मतलब, hash का मतलब greater than D is greater than T, चेक करो D is greater than T है कि इसमें बिल्कुल है, तो यहाँ पर तीसरा conclusion क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हमें answer इन option में से करने हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, only 3 सही हुआ है, ठीक है, तो इसमें answer क्या आना चाहिए था, only 3 follows, clear है सबको, चलो आगे बढ़ते हैं, किसी को doubt नहीं है। यहाँ पर मैं symbol के मतलब आपके सामने screen पर लिख देता हूँ फिर से, स्टार का मतलब था इक्वल टू, डॉलर का मतलब था लेस देन, एट द रेट का मतलब था ग्रेटर देन इक्वल टू, कॉपीराइट का मतलब था लेस देन इक्वल टू, हैश का मतलब था ग्रेटर देन, ठीक है। अभी 13, 14, 15, अभी चार क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद हम डाउट सेशन ले लेंगे, ठीक है, चलो यहां पर देखते हैं, पहले सिंबल रिप्लेस करते हैं, एफ स्टार आर, स्टार का मतलब क्या है, इक्वल टू, तो ये रिलेशन क्या है, पहला एफ इज इक्वल टू आर, एफ स्टार आर यानी क्या, एफ इज इक्वल टू आर, आर कॉपीराइट एम, कॉपीराइट का मतलब लेस देन एम, आर कॉपीराइट एम मतलब आर इज लेस देन और इक्वल टू एम, कॉपीराइट का मतलब लेस देन इक्वल टू, ठीक है, तो आर कॉपीराइट एम का मतलब क्या है, आर इज लेस देन इक्वल टू एम। एम डॉलर डी, डॉलर का मतलब क्या है, लेस देन, एम इज लेस देन डी, एम डॉलर डी मतलब क्या है, एम इज लेस देन डी, ठीक है, तो यहां पर ये एक्सप्रेशन हमें ऐसे मिला, स्टेटमेंट हमें कैसे मिला, सिंबल रिपीट करने रिप्लेस करने के बाद कुछ इस तरीके से मिला। पहला कंक्लूजन चेक करते हैं, डी हैश आर, हैश का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, डी इज ग्रेटर देन आर, क्या इसमें सही है, बिल्कुल सही है, पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है। डी हैश एफ, हैश का मतलब क्या है, greater than, D is greater than F, इसका मतलब क्या था, D is greater than R, D is greater than R यहां से सही है, D is greater than F चेक करो, इन सब में same family है, priority इसकी ज़्यादा रहेगी, D is greater than F ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। M at the rate F, at the rate का मतलब क्या है, greater than equal to, M is greater than equal to F, okay? अब देखो M is greater than equal to F यहां से सही होता है क्या, चेक करो, एकदम सही है, ठीक है, तीनों के तीनों कंक्लूजन सही हुए हैं, यहां पर हमारा आंसर क्या होना चाहिए था, ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। वैसे ही ऑप्शन 13, क्वेश्चन 13 सॉल्व करते हैं, वी कॉपीराइट एम, हमें क्या दिया है, वी कॉपीराइट एम, कॉपीराइट का मतलब क्या है, लेस देन और इक्वल टू, आगे क्या दिया है हमें, एम स्टार बी, स्टार का मतलब क्या है, इक्वल टू, एम इज इक्वल टू बी, ठीक है, एंड आगे हमें दिया है बी डॉलर एफ, डॉलर का मतलब क्या है, लेस देन, बी इज लेस देन एफ, ओके, ये स्टेटमेंट हमारा बन गया किसके लिए, 13 के लिए। कंक्लूजन चेक करते हैं, एफ हैश एम, हैश का मतलब है ग्रेटर देन, तो ये पहला कंक्लूजन क्या है, एफ इज ग्रेटर देन एम, यहां पर एफ इज ग्रेटर देन एम है क्या, चेक करो, बिल्कुल है, क्योंकि यहां पर इनमें से प्रायोरिटी किसके ज्यादा है, ग्रेटर देन की, तो एफ इज ग्रेटर देन एफ यानी पहला कंक्लूजन क्या है इसमें, सही है। दूसरा कंक्लूजन चेक करते हैं, बी एट द रेट वी,
बी एट द रेट वी का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, एट द रेट का मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ से बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी हो रहा है क्या, देखो यहाँ पर इनमें से प्रायोरिटी किसके ज्यादा है, ग्रेटर देन इक्वल टू की, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आखिरी देखते हैं एफ हैश वी, एफ हैश वी, एफ हैश वी का मतलब क्या है, एफ इज ग्रेटर देन वी। अब एफ इज ग्रेटर देन वी इसमें सारे सेम फैमिली के हैं, एफ इज ग्रेटर देन वी, प्रायोरिटी ग्रेटर देन की ज्यादा है, तो ये भी सही हो जाएगा। इसमें भी आंसर क्या आना चाहिए था, ऑल आर ट्रू। क्लियर हुआ है सबको, चलो ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। अभी ये मैं फिर से यहां पर सिंबल के मतलब लिख देता हूं आपके सामने स्क्रीन पर। स्टार का मतलब था इक्वल टू, डॉलर का मतलब था लेस देन, हैश का मतलब था ग्रेटर देन, एट द रेट का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड कॉपीराइट का मतलब है लेस देन इक्वल टू।